यस वेलकम टू दिस अमेजिंग टॉपिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आज का हमारा टॉपिक है एम ठीक है तो आज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे हम कुछ एम देखने जा रहे हैं आप अपनी नॉलेज की टेस्टिंग कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन रिस्क अटैच टू तो एन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे स्क्रीन पे रिस्क अटैच टू एन इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी अटैच टू द इन्वेस्टमेंट रिटर्न दूसरा लिखा सर्टेनिटी अटैच विद द इन्वेस्टमेंट रिटर्न फिर तीसरा लिखा वेरिएबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न फिर ये भी लिखा बोथ ए एंड सी अबाव नन ऑफ दी अबाव तो रिस्क का एक इंटरप्रिटेशन अनसर्टेनिटी है दूसरा है वेरिएबिलिटी तो आपको नीचे देखना है एक ऑप्शन आपको लिखा हुआ बोथ ए एंड सी अबाव वट विल बी द आंसर तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तो ये एम आपको इस बुक में मिलेगी ये बुक आपको चाहिए जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं उनको तो एम आपके नोट्स के साथ मिल गई है जिनको अलग से परचेस करना है एमसीक्यू की बुक अलग से बाई कर सकते हैं <coughs> और इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पर बहुत डिफिकल्टी होगी वहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर टू टोटल रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट टोटल रिस्क में क्या क्या आता है फाइनेंशियल रिस्क है बिजनेस रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क है बोथ ए एंड बी एंड ए बी एंड सी ए बी सी तीनों है वेरी गुड आंसर इज ई करेक्ट आंसर उसके बाद क्वेश्चन थ्री धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ेगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो तो इन सब वर्ड्स पे ध्यान देना है नॉट द पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इनपुट फैक्टर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड रिविजन एसेट एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन पोर्टफोलियो रिडम्शन एंड पोर्टफोलियो सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस मेजर तो इसमें से कौन सा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस नहीं है वैसे तो सारे ही हैं लेकिन अभी तुम्हें किसी एक को बाहर ठकेलना हो तो किसको ढकेलेंगे पोर्टफोलियो रिडम्शन यस ये सबसे वीक आंसर है एक्चुअली ये भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है लेकिन ये चारों मेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है तो अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी एक को टिक करना हो तो आप डी टिक करेंगे उसके बाद क्वेश्चन फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू यानी एक भी ट्रू हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो ये एक नया स्ट्रेटेजी है क्वेश्चन पूछने का इसमें आपके नॉलेज की बहुत ही अच्छे से टेस्टिंग होती है फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन है पैसिव इन्वेस्टर अक्वायर देयर वेल्थ विदाउट एनी ग्रेटर एफर्ट ओके एक्टिव इन्वेस्टर अक्वायर दे रिटर्न बाई वर्किंग अलॉट पैसिव मैनेजर्स आर जनरली रिगार्डेड एज गुड क्लाइंट बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर और फिर लिखा ए एंड बी अबव ए बी सी अबव मतलब एक साथ कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं पैसिव इन्वेस्टर अक्वायर देयर वेल्थ विदाउट एनी ग्रेट एफर्ट ट्रू है ट्रू है ना क्योंकि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो रोज रोज रीशफलिंग नहीं करते हैं लेकिन जो एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं मैंने कल बताया था बेचारे बहुत मेहनत करते हैं मैंने ये भी कहा था कि गोवा भी जाते हैं तो भी लैपटॉप लेकर जाते हैं मालदीव जाते हैं तो भी लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं होटल में बीच पे बहुत मेहनत है और तीसरा पैसि मैनेजर्स आर जनरली रिगार्डेड एज गुड क्लाइंट बाय दी पोर्टफोलियो मैनेजर यस क्योंकि ये लोग दिमाग कम खाते हैं इज इट राइट रोज रोज फ़ोन नहीं करते हैं तो पहले तीनों ऑप्शन सही है तो आपको ई टिक करना होगा क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं ये बहुत इजी है मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंडिया आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन इंडिया में है म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनी ए एन बी सी, ए बी सी ये सारे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट मार्केट में लगाते हैं पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स अ लार्ज पार्ट ऑफ दुट फंड्स कलेक्टेड बाई दी बैंक्स आर एक जनरल क्वेश्चन है अ लार्ज पार्ट ऑफ दी फंड्स कलेक्टेड बाई बैंक आर डेडिकेटेड इन टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टेड अब्रॉड वेस्टेड बाई गवर्नमेंट सरकार सुन लेगी ना मुझे बाहर निकाल देगी देश से ही यूज इन पेइंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक अमेजिंग कहाँ कहाँ से ऑप्शन लाते हैं एंड नन ऑफ द अबाव तो आपको पता ही है ये बैंक का बहुत बड़ा अमाउंट कहाँ पर इन्वेस्ट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सी आर आर एस एल आर मैंटेन करने के लिए और इन जनरल भी उनको अपना रेशियो मेंटेन करना रहता बहुत सारा उसके लिए सेफ सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो आंसर है गवर्नमेंट सिक्योरिटी ओके एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं द फर्स्ट स्टेप इन एसेट एलोकेशन मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया था आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी फर्स्ट स्टेप इन एसेट एलोकेशन है तो सभी एसेट एलोकेशन के स्टेप पहला स्टेप क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्क टॉलरेंस बाय the इन्वेस्टर एनालिसिस ऑफ the इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन the कैपिटल मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ the एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ the सिक्योरिटी कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट एंड बोथ ए एंड सी above अब जब पहला स्टेप पूछ रहा है तो ए एंड सी कैसे दो हो गए वो तो? तो लास्ट वाला नहीं हो सकता एलिमिनेशन करके भी कर सकते हो आप खुद सोचो आप इन्वेस्टर हो आप सबसे पहले क्या करोगे हाँ पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस चेक करोगे वेरी गुड क्योंकि आपका रिस्क टॉलरेंस आपको लगता है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ तो फिर आप इक्विटी बॉन्ड गोल्ड में डिसाइड करोगे फिर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करोगे वो तो सब बाद के स्टेप्स हैं पहला स्टेप है जब कोई इन्वेस्टर आपके पास आता है फंड मैनेजर के पास तो पहले उसका रिस्क टॉलरेंस चेक करते हैं तो आंसर इज़ ए और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना हो तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं कांस्टेंट एसेट मिक्स स्ट्रेटजी इज याद है आपने कांस्टेंट एसेट मिक्स पढ़ा जहाँ पर आप डेट और इक्विटी में एक सर्टन प्रोपोर्शन इन्वेस्ट करते हैं दैट इज़ कांस्टेंट मिक्स अब आपको ऑप्शन चूज़ करना है कौन सा इसमें बेस्ट ऑप्शन है अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगते हैं तो बेस्ट चूज करना है बाई एन होल्ड स्ट्रैटेजी सेकेंड स्ट्रेटजी इन विच एसेट मिक्स इज हेल्ड कॉन्स्टेंट थर्ड इज एक्टिव डी डीज पैसिव स्ट्रेटजी, एंड ई इज योर ए एंड बी य तो कॉन्स्टेंट एसेट मिक्स स्ट्रैटेजी इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा तो बाई एंड होल्ड स्ट्रैटेजी तो अपने आप में एक अलग स्ट्रैटेजी है तो उसको आप एलिमिनेट कर दो अगर वो एलिमिनेट हो गया तो ये भी एलिमिनेट हो गया बाय एंड होल्ड में क्या होता तो है एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया बार बार उसको बदलते नहीं है कांस्टेंट मिक्स में आप एक रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं अगर इक्विटी का भाव बढ़ गया तो थोड़ा इक्विटी कम करके डेट में लगाते हैं तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे स्ट्रैटी इन विच एसेट मिक्स इज हेल्ड कॉन्स्टेंट ये सही है और ये एक्टिव स्ट्रेटजी है या पैसिव स्ट्रेटजी है बहुत ज्यादा एक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है क्योंकि जब रेशियो बदलता तभी आप अपना पोर्टफोलियो चेंज करते हो अगर मान लो फिफ्टी फिफ्टी चल ही रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको ठीक है और बहुत ज्यादा पैसिव स्ट्रेटजी भी नहीं है क्योंकि अगर रेशियो बदलेगा तो आप अपना पोर्टफोलियो बदलेंगे आपको ये मिक्स को मेंटेन करना है तो मिक्स को मेंटेन करने के लिए अगर चेंज करना पड़े तो करेंगे और ऑलरेडी मिक्स मैनेज है चेंज नहीं हुआ है तो विल कंटिन्यू तो ऑप्शन बी को देखते हैं क्या हाँ बी बी इज़ द राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन मैंने आपकी बुक में दिया है ये सारे एक्सप्लेनेशन हमारी इस एम बुक में भी है आप बाद में पढ़ सकते हैं कहीं डाउट हो तो पढ़ लेना ठीक है बुक दिख रही है सबको हाँ जी क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलिंग इज द इक्वेशन ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट लाइन सिक्योरिटी मार्केट लाइन यानी सी ए पी एम तो एक जैसे दिखेंगे सारे फॉर्मूले लेकिन एक फॉर्मूला सही है सी ए पी एम का फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे मैं वेट करूंगा ए बी सी डी ई में कोई भी एक बोल दो सी आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ ओके और बाकी में यहाँ पर यहाँ पे ज़बरदस्ती आर एफ घुसा रखा है गलत यहाँ पे ज़बरदस्ती आर जे घुसा रखा है गलत ये सही है और वापस यहाँ पे आर जे प्लस लिखाना लायक आर जे तो निकालना है मुझे तो ये भी गलत और यहाँ पर भी आर जे लिख रखा है जिसको फाइंड आउट करना वही लिख रखा है उसने तो एक ऑप्शन सही है नाइन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन ऑप्शन सी टिक कर देना इज इट राइट और आपकी बुक में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है एक दो जगह पे, उसको ठीक कर लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बीटा लिखना चाहते थे हम लेकिन वो टाइपिंग करते समय पी टाइप हो गया है वहाँ पे, उसको बीटा कर दो इन सबको यहाँ पर लास्ट में बीटा कर दो कई बार वो प्रिंटर में ना बीटा का साइन पकड़ में नहीं आता है तो सॉफ्टवेयर में सिंबल्स को कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो जो उसको ठीक लगता है प्रिंटर में ले लेते हैं वो ऐसा होता है कभी कभी देखा आपने ऑफिस में तो ऑप्शन सी वॉज द राइट आंसर अब एक और डेंजरस क्वेश्चन आ रहा है जीरो बीटा एसेट इज वन जीरो बीटा एसेट इज वन विच गिव्स रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इसको रिस्क फ्री रेट ऑफ कर दो देन हुज रिटर्न रिटर्नो कोरिलेशन विद द मार्केट हुज रिटर्न इज हाईली विद द मार्केट बात किसकी चल रही है जीरो बीटा की हुज बीटा इज वन जब यहां पे क्वेश्चन में जीरो बीटा लिखा है तो नालायक ऑप्शन में लिख रहा है हुज बीटा इज फिर भी हमारे देश में पांच दस परसेंट लोग ऐसे होंगे उसको भी टिक करके आएंगे ऊपर लिखा है जीरो बीटा नीचे ऑप्शन में बीटा इज वन विच हैज़ अ मोर सिस्टमैटिक रिस्क देन द मार्केट तो पहले मैं एलिमिनेट कर देता हूँ जीरो बीटा यानी रिस्क तो होता ही नहीं है एलिमिनेट हुटर्न इज हाईली को रिलेटेड विद द मार्केट ये भी गलत है अब बच गए खेल में दो लोग जीरो बीटा एसेट इज वन विच गिप्स रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड हुज रिटर्न हैज़ नो को रिलेशन विद द मार्केट एक्चुअली दोनों ही ऑप्शन सही हैं लेकिन आपकी बुक में एक ही ऑप्शन को उन्होंने टिक किया है हुज़ रिटर्न हैज़ नो को रिलेशन विद द मार्केट सपोज़ कोई एसेट है उसका मुझे रिटर्न निकालना हो तो आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ अगर बीटा ज़ीरो है तो आपका आंसर आर एफ प्लस जीरो आर एफ ही हो जाएगा जो कि पहला ऑप्शन है करेक्ट दूसरा इट हैज नो कोरिलेशन विद द मार्केट जीरो बीटा यानी उसका मार्केट के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है जीरो तो कोरिलेशन दोनों ऑप्शन टिक करना वहां पे लिख के रख देना ए और बी दोनों ही सही है बट उन्होंने बुक में बी लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ओवर प्राइज सिक्योरिटीज प्लॉट अबव एस एम एल तुम लोग ही मुझे बताते हो ट्रू है या फॉल्स है ओवर प्राइज सिक्योरिटीज प्लॉट अबव एस एम एल फॉल्स है ओके okay, फॉल्स है अंडर प्राइज सिक्योरिटीज प्लॉट ऑन द एस एम एल ट्रू या फॉल्स ये भी फॉल्स है प्रॉपरली प्राइज सिक्योरिटीज प्लॉट ऑन द सी एम एल ये ट्रू है ओवर प्राइज सिक्योरिटीज आर अब दफिशियंट फ्रंटियर फॉल्स है अंडर प्राइज सिक्योरिटीज प्लॉट बिलो एस एम एल ये भी फॉल्स है अगर आपने सिक्योरिटी मार्केट लाइन पढ़ी होगी तो आपको याद होगा क्लास में हमने दो डायग्राम भी ड्रॉ करवाए थे एक डायग्राम ऐसा था कि ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन है और जो अंडर प्राइस सिक्योरिटी रहेंगे वो एस के ऊपर होंगे अंडर प्राइज्ड और जो ओवर प्राइज सिक्योरिटी रहेगा वो एस के नीचे रहेगा और जो प्रॉपरली प्राइज सिक्योरिटी रहेगा वो एस के पा एस एम लाइन पर ही रहेगा तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है लेकिन ओवर प्राइस सिक्योरिटी प्लॉट अबव लिखा है होना चाहिए था बिलो ये होना चाहिए था बिलो एंड अंडर प्राइस सिक्योरिटी प्लॉट ऑन द एस एम एल ये होना चाहिए था अबव ओवर प्राइस सिक्योरिटीज आर अब ये तो क्वेश्चन ही गलत है ओवर प्राइस सिक्योरिटी का अंडर एफिशियंट फ्रंटियर से कोई लेना देना नहीं है ओके एंड अंडर सिक्योरिटी प्लॉट बिलो ये होना चाहिए था अबव ये अबव होता तो स्टेटमेंट सही होता ये बिलो होता तो स्टेटमेंट सही होता ये अबव होता तो स्टेटमेंट सही होता इज इट राइट तो ऑप्शन सी तो ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन आएंगे जिसने ठीक से पूरा चैप्टर पढ़ा है लाइन बाय लाइन वो कर पाएगा देन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फॉलोइंग आर दी कॉमन एजम्शंस टू बोथ ए पी टी एन सी ए पी एम ए पी टी का फुल फॉर्म क्या है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थेरी और सी ए पी एम का फुल फॉर्म क्या है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अब उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों थियरी में कौन कौन से अजम्पशंस कॉमन हैं चार अजम्पशन यहाँ पे लिखे हुए हैं वन टू थ्री फोर और नीचे अलग अलग कॉम्बिनेशन के आंसर हैं आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन सही है तो पहला एजम्शन है इन्वेस्टर्स हैमोजिनियस बिलीव क्या ये एजम्पन दोनों थियरी में है यस देर आर नो टैक्सेस ये भी दोनों थियरी में है इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स एंड यूटिलिटी मैक्सिमाइजर ये भी सही है एंड मार्केट्स आर परफेक्ट तो दोनों थियोरी में ये चारों एजम्पन कॉमन है तो अब आपको नीचे कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर लिखा रहेगा कि ऑल फोर एजम्पशंस आर कॉमन इन द थियरी तो आपको नीचे ये पॉइंट नंबर ई दिख रहा होगा इज इट राइट तो ई e को टिक करेंगे और एक तरह से आपके थियरी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया वट आर द एजम्पन्स ऑफ सी ए पी एम एंड ए पी टी विच आर कॉमन तो ये अभी आंसर आप लिख सकते हो ठीक है ये एजम्प्शन हमारी बुक में भी लिखवाए गए हैं आपको अगर कोई एक आध पॉइंट नहीं होगा तो बुक में लिख लेना रिवर्स वर्किंग भी करना है कुछ कुछ जगहों पे आपको एम से आपको मेन आंसर को और इम्प्रूव कर लेना है क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पन्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सी ए पी एम विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पन्स डू नॉट डू नॉट वर्ड अंडरलाइन करेंगे ठीक है क्योंकि आप पढ़ने में अगर गलती कर गए तो आपको लगेगा ये सही है लेकिन वो एक्चुअली गलत पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द दी ए पी एम ऑल इन्वेस्टर्स आर एज्यूम टू डिफाइन द रेलिवेंट पीरियड एग्जैक्टली इन द सेम मैनर तो ये एजम्पन एग्जिस्ट करता है ऑल इन्वेस्टर्स आर एज्यूम टू हैव आइडेंटिकल एक्सपेक्टेशन

एन इंडिविजुअल कैन अफेक्ट द प्राइस ऑफ अ स्टॉक बाई बाइंग और सेलिंग एक्शन एक अकेला इन्वेस्टर शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है ऐसा कोई एजम्पन मैंने नहीं लिखवाया तो दिस एजम्पन डज नॉट एग्जिस्ट लेकिन जो एजम्पन डज नॉट एग्जिस्ट वही मेरा आंसर है ओके तो आंसर इज ई एक अकेला इन्वेस्टर आप शेयर प्राइस को इन्वेस्ट अफेक्ट नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आइए विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्कलेस ट्रेडिंग एंड बोरिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क लेस ट्रेडिंग एंड बोरिंग द पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट दैट एन इन्वेस्टर वुड होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ अ रिस्की एसेट ट ए इन्वेस्टर वुड होल्ड कुड बी आइडेंटिफाइड अब यहां पर आपको सही ऑप्शन टिक करना है विद आउट इन्वेस्टर्स रिस्क प्रेफरेंस विथ इनवेस्टर्स रिस्क प्रेफरेंस विथ इन्वेस्टर्स एटीट्यूड टूअर्ड द रिटर्न विदेस्टर्स एटीट्यूड टूअर्ड द रिटर्न एंड बोथ ए एंड सी अब

एंड सेकेंड विथ इन्वेस्टर्स एटीट्यूड टूअर्ड्स द रिटर्न तो इन्वेस्टर को हाइयर रिटर्न चाहिए बोरो करेगा इन्वेस्ट करेगा इज इट राइट तो उस उसका रिस्क प्रेफरेंस भले नहीं पता हो लेकिन उसका एटीट्यूड टूअर्ड्स रिटर्न पता चलता है अगर आप बोरिंग एंड लेंडिंग कर सकते हो तो जो क्या नाम है बहुत ही रिस्क टेकर होगा वो बोरो करेगा और इन्वेस्ट करेगा मतलब उसका एक्सपेक्टेड उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स रिटर्न क्या है वेरी हाई तो आंसर ई e को टिक कर देना ई e था क्या ऑप्शन में यस इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है आप पढ़ लेना थोड़ा अब मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन अभी आप आंसर करेंगे इफ अ बीटा फज वन पॉइंट फाइव टेन परसेंट इन द स्टॉक मार्केट रिटर्न विल बीटा अगर वन पॉइंट फाइव है और अगर रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो टेन परसेंट से चेंज होता है तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है इट विल लीड टू फिफ्टीन परसेंट फॉल इन द स्टॉक रिटर्न ट्रू और फॉल्स फॉल्स क्योंकि ये गलत है इसलिए फॉल्स इट विल लीड टू 10% परसेंट इंक्रीज इन द स्टॉक रिटर्न ट्रू और फॉल्स फॉल्स आंसर होना चाहिए 15% परसेंट इंक्रीज ओके अब उसको ढूंढना है आपको लीड टू नो चेंज इन द स्टॉक रिटर्न ये भी फॉल्स लीड टू 15% परसेंट इंक्रीज इन द स्टॉक रिटर्न ये ट्रू है नन ऑफ द अब नन ऑफ द अब इज रॉन्ग बिकॉज उसमें से एक ऑप्शन सही है तो ये जो क्वेश्चन एकदम आपका फंडामेंटल नॉलेज टेस्ट करता है हाउ डू यू इंटरप्रेट बीटा इफ बीटा इज 1.5 पॉइंट फाइव इट मीन्स इफ मार्केट रिटर्न चेंजेस बाई टेन परसेंट द स्टॉक और द पोर्टफोलियो रिटर्न विल चेंज बाई फिफ्टीन परसेंट ऑप्शन डी को टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इफ द मार्केट्स आर ट्रूली एफिशेंट देन द फंडामेंटल एनालिस्ट विल बी सक्सेसफुल ओनली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इफ़ द मार्किट्स आर ट्रूली एफिशेंट मार्केट एफिशेंट है एफिशेंट मार्केट का मतलब कोई अब नॉर्मल रिटर्न नहीं कमा सकता याद है कोई अब नॉर्मल रिटर्न नहीं कमा सकता और आप ठहरे फंडामेंटल एनालिस्ट फंडामेंटल एनालिस्ट लोग क्या करते हैं कंपनी का एनअल रिपोर्ट पढ़ेंगे कंपनी के बारे में सारे रेशियोज निकालेंगे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में कंपनी के बारे में क्या क्या न्यूज़ छपता है उसको देखेंगे ग्रोथ प्रोजेक्शन करेंगे अब आपको फंडामेंटल एनालिसिस मैंने बता दिया अब आपको देखना कौन सा ऑप्शन सही है मार्केट्स आर ट्रूली एफिशिएंट देन फंडामेंटल एनालिसिस विल बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन ही हैज़ गॉट इनसाइडर इन्फॉर्मेशन सुपीरियर एबिलिटी टू अनालाइज पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन देन पॉइंट नंबर सी यहां पर एक वर्ड मिसिंग है पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन फिर लिखना स्ट्राइव्स टू रीच लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही ऑज मोर एग्रेसिव स्टॉक इन इस पोर्टफोलियो एंड ऑल ऑफ दी अबाव ध्यान से सोचना है हर बार ऑल ऑफ दी अबव टिक नहीं करना है ठीक है फंडामेंटल एनालिसिस है और मार्केट एफिशिएंट है अगर मार्केट एफिशिएंट है तो उसके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन तो होगा नहीं उसको हटा दो ही अ सुपीरियर एबिलिटी टू एनालाइज पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ये भी रॉन्ग है सिर्फ तुम महान नहीं हो बहुत सारे लोग महान हैं लास्ट वाला भी इ रॉन्ग है ही हैज मोर एग्रेसिव स्टॉक इन इस पोर्टफोलियो तो ये अगर रॉन्ग है पहले दो रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग हो गया तो बचा क्या अगर मार्केट एफिशिएंट है तो भैया तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है और जो नॉर्मल रिटर्न मिलने वाला है उतना ही मिलेगा अब नॉर्मल रिटर्न नहीं मिलेगा अब नॉर्मल रिटर्न नहीं मिलेगा इन दैट केस यू हैव टू होल्ड द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एंड यू विल अर्न द नॉर्मल रिटर्न जितना उस स्टॉक से रिटर्न मिलना चाहिए इज इट राइट ऑप्शन सी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन अच्छा है सेवेंटीन नंबर इन द बेसिक कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल द मेन गोल ऑफ एन इन्वेस्टर इज तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है सी ए पी एम मेन गोल ऑफ द इन्वेस्टर इज टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी। फॉर्मूला देखो आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ बीटा क्या है रिस्क का सिस्टमैटिक रिस्क है और फार्मूला से आप क्या निकालते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हो तो क्या सी ए पी एम मॉडल एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क के बीच एक इक्वेशन स्टैब्लिश कर रहा है यस yes. तो थोड़ी देर के लिए इसको साइड में यस करके रखते हैं टू कैलकुलेट द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी यानी बीटा सी ए पी एम मॉडल से आप बीटा नहीं कैलकुलेट करते हो आप बीटा यूज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हो फिर वापस वही लिखा टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ द सिक्योरिटी मेन गोल बीटा निकालना नहीं है मेन गोल अगर बीटा पता है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा अगर मैं इतना रिस्क लूंगा तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा एंड टू स्टैब्लिश अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट रिटर्न एंड स्टॉक रिटर्न अब फॉर्मूले में देखो यहाँ पे मार्केट रिटर्न है यहाँ स्टॉक का रिटर्न है तो जैसे जैसे मार्केट का रिटर्न चेंज होगा स्टॉक का रिटर्न भी बदलेगा ये रिस्क फ्री रिटर्न है ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन है बीटा इज इक्वल टू वन है इट इज इक्वल टू मार्केट रिटर्न तो कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा सही लग रहा है पहला वाला तो सही है दूसरा और तीसरा सही नहीं है चौथा भी सही है लीनियर रिलेशनशिप मार्केट रिटर्न बढ़ेगा तो स्टॉक का रिटर्न भी बढ़ेगा ऑप्शन तो ई को टिक कर दीजिए उसके बाद 18 नंबर पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट बाप रे यानी विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स लिखना चाहिए आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी असरटेन्स दैट एसेट प्राइसेस आर डिटरमाइंड थ्रू आर्बिट्रेज रिलेशनशिप उसके बाद लिखा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरम इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वन प्राइस ओके विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट लिखा है तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ये भी ट्रू है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरम इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी ए पी एम ये फॉल्स है इट इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ सी ए पी एम इट इज अ वेरी एडवांस्ड मॉडल इट इज़ अ वेरी एडवांस फाइनेंशियल मॉडल एक्सटेंशन मतलब थोड़ा बहुत चेंज इसमें इट्स अ वेरी डिफरेंट मॉडल ऑल टुगेदर APT इज नथिंग बट जीरो बीटा वर्जन ऑफ सी ए ये तो महाफॉल्स है ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर फिर भी हम थोड़ा बहुत इसको बोल सकते हैं हाँ ठीक है इसमें कई बीटा होते हैं सी ए पी एम में एक बीटा होता है और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया सी एंड डी अबव तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं आपको जो जो फॉल्स हो उनको निकालना है भीड़ में से तो कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे ई को ऑप्शन ई को टिक करना सी एंडी ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है अबाउट ए पी टी इज इट राइट नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है ए पी टी डज नॉट रिक्वायर सम ऑफ द स्ट्रिंजेंट एजम्पन मेड बाई सी ए पी एम एंड ए पी टी इज नॉट ए जीरो बीटा वर्जन ऑफ सी ए पी एम ए पी टी इज एन इंडिपेंडेंट थियरी इट इज नॉट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सी ए पी एम एंड ए पी टी मीन्स वन प्राइस दो स्टॉक अगर उनका रिस्क सेम है रिटर्न सेम है तो उनका प्राइस भी सेम होना चाहिए और अगर प्राइस सेम नहीं हुआ तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आती है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आर्बिट्रेज इम्प्लाइज दैट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इम्प्लाइज दैट ये हमने कई बार किया है मिस प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफर रिस्क प्रॉफिट ट्रू है आर्बिट्रेज का मतलब ही वही होता है कोई रिस्क नहीं फिर भी प्रॉफिट अगर सिक्योरिटी की प्राइसेस जितनी होनी चाहिए उससे अलग है तो मिस प्राइसिंग हो गया इसको एक बार साइड में यहाँ पे टिक करके रखते हैं आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इम्प्लाइज दैट नो रिस्कलेस प्रॉफिट इज अवेलेबल इन द मार्केट दोनों स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्ट्री है देन मिस प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटी इज़ बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अजीब अजीब ऑप्शन देते हैं बी कॉम टाइप के एग्जाम में होता है ना चार ऑप्शन रहते हैं तीन इतने दूर दराज तक रहते हैं कि जिसने कभी सुना भी नहीं वो भी सही ढूंढ निकालता है ठीक है और पॉइंट नंबर डी है रिस्की प्रॉफिट कैन बी अक्वायर्ड बाय बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटी इन द टू मार्केट ये भी फॉल्स ऐसा कुछ आर्बिट्रेज का मतलब ये नहीं होता रिस्की प्रॉफिट आर्बिट्रेज का मतलब होता है रिस्कलेस प्रॉफिट ड्यू टू मिस प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी तो बहुत ही सिंपल था ये ऑप्शन ए को टिक कर दीजिए अब आपको कैसा लग रहा है इजी लग रहा है कि डिफ़िकल्ट लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा हाँ मतलब तो बहुत इजी भी नहीं है एकदम फंडामेंटली स्ट्रांग स्टूडेंट जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आते हैं ये क्वेश्चन अभी किया भी था आपने इफ़ द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी इज ग्रेटर देन इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न तो मैं आपको हेल्प करूँगा सिक्योरिटी मार्केट लाइन ड्रॉ करके ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन है ये बीटा है और यहाँ पर हम लिखते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके ऊपर भी हो सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके नीचे भी हो सकता है और एक्सपेक्टेड रिटर्न एस एम एल लाइन पर भी हो सकता है अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न इस लाइन से ऊपर है इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ अंडर प्राइस सिक्योरिटीज़ और अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न एस एम एल लाइन के नीचे है इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ ओवर प्राइस सिक्योरिटी अभी मैंने आपको काफ़ी हिंट दे दिया एग्जाम में आप बैठे हैं रात भर पढ़ाई किए हैं और ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन आ गए तो आपको जवाब देना है इफ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी रिक्वायर्ड रिटर्न ये वाली लाइन रिक्वायर्ड रिटर्न है इट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो ठीक है क्योंकि ये ऊपर है बोलो हा तो आप का रिटर्न जो मिल रहा है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न से कम है ऐसा कह सकते हैं तो अब आप बताओ सिक्योरिटी क्या Overpriced है ओवर प्राइज्ड है अंडर प्राइज्ड है फेयरली प्राइज्ड है हाईली रिस्की है लेस रिस्की है ओवर प्राइज डायग्राम में ही समझ में आ गया ऑप्शन बी अपनी क्लास में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है एक पैराग्राफ उसके ऊपर डेडिकेटेड है हाउ टू आइडेंटिफाई ओवर प्राइज्ड एंड अंडर प्राइज्ड सिक्योरिटी और ये डायग्राम के साथ वहाँ पर लिखा हुआ है तो जिनका मिस हो गया हो, एक बार पहले लेक्चर देख लेना ये क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन ट्वेंटी वन इफ़ द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस देन इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न ठीक है अब वापस उस क्वेश्चन को दोबारा पूछ रहा है रिक्वायर्ड रिटर्न इज लेस देन एक्सपेक्टेड रिटर्न इसी को देख लो एक बार वापस मैं क्यों ड्रॉ करूँ इस बार रिक्वायर्ड रिटर्न नीचे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऊपर है तो सिक्योरिटी क्या हुई अंडर प्राइज्ड हुई उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है अंडर प्राइज्ड है अंडर प्राइज सिक्योरिटी के साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए सेल करना चाहिए कि बाई करना चाहिए कि इनडिफरेंट रहना चाहिए बाई करना चाहिए तो ये गलत है ये गलत और ये क्या लिखा है शुड शॉर्ट सेल द सिक्योरिटी तो वही तो बात हुई सेल द सिक्योरिटीज ये भी गलत नालायक एक ही चीज को दो बार लिखा है नन ऑफ दी अबव ये भी रॉन्ग क्योंकि अंडर प्राइस सिक्योरिटी हमें बाई करना है जरा चेक करना आंसर है बी वेरी गुड उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू टू ट्वेंटी टू कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन बिटवीन द स्टॉक एंड द मार्केट इंडेक्स कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब होता है आर स्क्वायर को रिलेशन का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू याद करो सिस्टमैटिक रिस्क बुक में लिखा हुआ है अपॉन टोटल रिस्क अब याद आया मैंने इसलिए कहा था ना फार्मूला बुक बना के रखना है फार्मूला बुक में ये कोई फार्मूला आपने लिखा होगा या हमारी बुक में होगा ये फॉर्मूला एक जो फार्मूला की बुक दी है मैंने तो अब जरा इसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन चूजें चूज करेंगे पहला पॉइंट है द परसेंटेज ऑफ द वेरिएंस ऑफ द मार्केट रिटर्न द परसेंटेज ऑफ वेरिएंस ऑफ द मार्केट रिटर्न दैट इज बाय बाई वेरिएंस ऑफ द रिटर्न ऑफ द स्टॉक ये स्टेटमेंट फॉल्स है पूछो क्यों उल्टा लिखना चाहिए था इट इज एन इंडिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वेरिएंस ऑफ स्टॉक रिटर्न दैट इज एक्सप्लेन बाई द मार्केट रिटर्न इज इट राइट और यहाँ लिखा क्या है उल्टा तो इसको गलत कर देना आपको इज इट राइट उसके बाद लिखा दफिशंट ऑफ डिटर्मिनेशन बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट इंडेक्स इंडिकेट्स टोटल वरांस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न दैट इज नॉट एक्सप्लेन बाई द इंडेक्स ये भी फॉल्स है इट इज एक्चुअली विच इज एक्सप्लेन बाय द इंडेक्स तो यहां पर क्या चेंज किया उन्होंने

मैंने कहा था ये उन्होंने उल्टा लिखा है उसी का करेक्ट वर्जन ये फोर्थ पॉइंट है तो सही आंसर क्या होगा डी और बिल्कुल एक्जैक्टली सेम लाइन हमारी बुक में भी हमने लिख कर रखा है आप देखना जहाँ पर आर स्क्वायर एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का आंसर डी है अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे जल्दी से टू एसेट्स आर सेट टू बी परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड याद है परफेक्टली नेगेटिवली को रिलेटेड एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा इज इट राइट right? तो इसमें से उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसका कोरिलेशन कितना होता है आपको याद है क्या परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड स्टॉक का कोरिलेशन कितना होता है आर इक्वल टू माइनस वन होता है माइनस वन मतलब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में दो स्टॉक मूव करते हैं तो आपको माइनस वन ढूंढना है और इंस्टीट्यूट की या जिसने भी क्वेश्चन बनाया उसकी चालाकी देखिए उसने कहीं पे भी माइनस वन नहीं दिया है तो इसका आंसर क्या होगा नन ऑफ दी अबव कभी कभी ये भी आंसर हो जाता है ठीक है नोटा नन ऑफ दी अब आजकल तो इलेक्शन में कभी कभी नोटा जीत जाता है सारे के सारे कैंडिडेट इतने नालायक रहते हैं कि इंसान सोचता है इससे अच्छा है कि नोटा कोई टिक कर दो ओके okay? इसको देखकर मुझे नेता लोग की याद आ गई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करना होगा कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं अदरवे स्टूडेंट सोचेगा कि बस ज्ञान ही बांट रहा है निकालो कैलकुलेटर इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज ट्वेंटी परसेंट हो गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो आर एम बीटा इज वन पॉइंट वन सेवन फाइव एंड रिस्क फ्री रिटर्न इज टेन परसेंट वॉट इज द रिटर्न ऑन द अब पोर्टफोलियो वेरी गुड ऐसा क्वेश्चन मेरी एग्जाम में काश आता तो मेरा रैंक जो ट्वेंटी फोर है कोइंसिडेंटली क्वेश्चन भी ट्वेंटी फोर है और अच्छा रैंक आता फिर या तो टू आ जाता या वन आ जाता चलिए कोई बात नहीं कितना आया ट्वेंटी वन पॉइंट आसपास कोई आंसर है क्या ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन फाइव एग्जाम में क्या करना है पहले अपने से सॉल्व करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देखना है पहले अपने से सॉल्व करना है अच्छे से करना है और जैसे आपको लगे कि हाँ कोई ऑप्शन है जिसमें मेरा आंसर है तो मोस्ट प्रोबेबली वो सही आंसर है आंसर देखे बिना न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और अगर मैच होता है कोई ऑप्शन आपके साथ तो उसका मतलब कि वही आंसर सही लेकिन हाँ हंड्रेड परसेंट नहीं आपको अच्छे से श्योर sure होना चाहिए कि मैंने कैलकुलेशन सही किया है तो ऑप्शन बी इज राइट एक और एक्स एंड टी रिटर्न मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न विच इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर एक्स पोस्ट का मतलब पास्ट डेटा के बेसिस पे रिटर्न निकालना यानी हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे निकालना और एक्स एंटी मतलब एंटीसिपेटेड यानी फ्यूचर के बेसिस पे निकालना तो मैंने आपको हिंट दे दिया अब आपको बताना एक्स एंटी रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इंडिकेट्स वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द बॉन्ड फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कुछ हिंट मिला हिस्टोरिकल तो हो नहीं सकता बिकॉज ये एक्स एन टी है एक्स पोस्ट रहेगा तो हिस्टोरिकल एक्स पोस्ट यानी हिस्टोरिकल पोस्टमार्टम वर्ड जो सुना है ना आपने वही है मतलब सब कार्यक्रम होने के बाद जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं तो पोस्टमार्टम जब करते हैं किसी का तो हो गया एक्स पोस्ट रिटर्न लेकिन अगर हम एंटीसिपेट करते हैं तो दैट इज़ एक्स एंटी अरिथमेटिक मीन ऑफ द सिक्योरिटी रिटर्न ये भी गलत है अरे बॉन्ड बीच में इधर कहाँ से ऊपर आ गया पोर्टफोलियो लिख रहा है तो उसने लिखा वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ दी बॉन्ड कुछ भी बोथ बी एंड डी अबव बी तो सही है लेकिन डी सही नहीं है तो आंसर होगा बी बी सही है डी सही नहीं है अरिथमेटिक एवरेज जो है वो तो पास डेटा का भी आप निकालते कि नहीं लेकिन हमें पास डेटा वाले आंसर को लेना ही नहीं है बी क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स अब ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत भरा है सेम क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया था लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक मैथामेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है फिर तुम पूछोगे सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं आ सकते हैं मुझे कोई शौक नहीं आपको परेशान करने का कैलकुलेट द रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो पूछा इजी है विच हैज़ इन्वेस्टेड 60 परसेंट ऑफ द फंड्स इन स्टॉक ए एंड 40 परसेंट इन बी तो पहले आप क्या करना ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो उठाओ कैलकुलेटर ऑल क्लियर क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है सिक्सटीन इन पॉइंट फोर इक्वल टू memory प्लस 12 इंटू पॉइंट ट्वेंटी इक्वल टू memory प्लस सिक्स इंटू पॉइंट फोर इक्वल टू मेमरी प्लस तो एक बार रिटर्न कितना आया मेमोरी रिकॉल एलेवन पॉइंट टू आ गया एक बार फिर से ऑल क्लियर 20 इंटू पॉइंट फोर प्लस मेमोरी प्लस फिफ्टीन इंटू पॉइंट टू इक्वल टू मेमरी प्लस एट इंटू पॉइंट फोर्टी इक्वल टू मेमरी प्लस मेमरी रिकॉल फोर्टीन पॉइंट टू आ गया ये इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया अब इसको हम पॉइंट सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक बार फिर से ऑल क्लियर करना पॉइंट सिक्स इंटू एलेवन पॉइंट टू इक्वल टू मेमरी प्लस पॉइंट फोर इंटू फोर्टीन पॉइंट टू इक्वल टू मेमरी प्लस मेमोरी रिकॉल ट्वेल्व पॉइंट अब मैंने अभी तक आंसर देखा ही नहीं मुझे भी नहीं पता क्या आंसर है अब हम आंसर की ओर बढ़ेंगे क्या कोई आंसर मैच हो रहा है हमारे साथ हो रहा है फिर वही आंसर होगा अरे ये तो कुछ और ही लिख दिया तो गलती हुई है क्या कुछ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स था ना उसने लिखा है नाइन पॉइंट सिक्स वन सिक्स एक मिनट एक मिनट वो आंसर को चेंज करो हाँ वो आंसर गलत है क्योंकि अगर आप नीचे कैलकुलेशन देखेंगे तो वो ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ मैच नहीं हो रहा है हाँ वही कुछ गलत टाइप हो गया है उसको आप ठीक करो ई को टिक कर देना आप प्लीज़ ठीक है रेड पेन से ठीक कर दो और उसके आसपास ये वाला कैलकुलेशन लिख लो आप ठीक है ट्वेल्व पॉइंट फोर टिक कर दिया वो सही है ना क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन पे आना अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ स्टॉक ए एंड बी इन इक्वल प्रपोर्शन यहाँ पे इक्वल प्रपोर्शन कर दिया है उसी क्वेश्चन को एंड प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिटर्न इन द थ्री लाइकली सिनारी कैलकुलेट द को बिटवीन ए एन बी अब को पूछा है यानी ये थोड़ा सा एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग काम है इसको आप होमवर्क कर लेना सेम क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है को निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आप पहले क्या करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना फिर डेविएशन निकालना है ठीक है और उसके बाद आपका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी इनटू डेविएशन ओके आर ए माइनस आर ए बार आर बी माइनस आर बी बार उसकी वर्किंग यहाँ पे की हुई है पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेना है दोनों स्टॉक का और उसके बाद को निकालने के लिए ये आपको डिविएशंस सारे लेने हैं और उनको बाद में ऐड कर देना है तो ये आंसर ट्वेंटी फोर पॉइंट वन सिक्स आएगा तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ अदरवाइज़ ये अपने आप में एक चार पाँच मिनट का कार्यक्रम है तो एग्जाम में अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ये पाँच मार्क का क्वेश्चन है सोचो और ऑप्शन दिया है तो एक या दो मार्क का क्वेश्चन होगा एक मार्क का मेहनत उतनी है इज इट राइट बट ऑप्शन दिया तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कोई ना कोई तो मैच हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इसको भी लिखना होमवर्क पूछो क्यों क्योंकि इसमें भी आपको पहले तो कोवरस निकालना है जो कि ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं उसके बाद स्टॉक ए और स्टॉक बी का कोरिलेशन निकालने के लिए आपको दोनों का पहले स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना पड़ेगा और फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके आप कोरिलेशन निकाल पाओगे होमवर्क लिख लो चेक करके बताना कि सही है कि नहीं यहाँ पर आपकी मदद के लिए कैलकुलेशन पूरा किया हुआ पहले आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है ए का फिर स्टैंडर्ड डिविशन निकालना है बी का और फिर को जो कि पिछले आंसर से आएगा डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ़ ए इनटू स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ बी आंसर इज वन बट आपको चेक करना है ऐसे क्वेश्चन क्या आपने क्लास में किए थे क्या बहुत सारे कम से कम दस बीस ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन तो ऐसे भी क्वेश्चन अभी आपको एम में आ सकते हैं मैंने बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं रखे हैं क्योंकि क्या क्वेश्चन तो हमने सारे क्लास में करवाए हुए हैं बट उसका यहां पर क्या उन्होंने ऑप्शन दे रखा है टाइम उतना ही लगने वाला है क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन इफ द बीटा ऑफ इन्फोसिस स्टॉक इज वन पॉइंट थ्री सेवन बीटा इदियावा वन पॉइंट थ्री सेवन स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ़ द स्टॉक इज थर्टी टू पॉइंट टू एंड द स्टैंडर्ड डिविशन ऑफ द मार्केट इज ट्वेंटी फाइव वॉट इज द अमाउंट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क यानि आपसे पूछ रहा है सिस्टमैटिक रिस्क कितना है अब स्टूडेंट को याद है कि नहीं पता यानी सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है बीटा स्क्वायर इंटू सिगमा एम स्क्वायर याद आया कुछ सारे फॉर्मूले आपकी बैच में हुए हैं बीटा यहाँ पर कितना है जरा इसको आप ट्राई कर सकते हो वन पॉइंट थ्री सेवन स्क्वायर और सिग्मा एम पच्चीस है पच्चीस स्क्वायर पहले सॉल्व करना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देखना है कितना आया? पच्चीस स्क्वायर यानी छः सौ पच्चीस हो गया एंड वन पॉइंट थ्री सेवन स्क्वायर वन वन सेवन थ्री समथिंग यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही लग रहा है यस yes. ज द राइट आंसर बस एक और ट्राई करना क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो थर्टी इफ द को रिलेशन बिटवीन द टू स्टॉक इज प्लस पॉइंट फाइव एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन आर थ्री एंड फाइव द फॉलिंग विल होल्ड ट्रू द फॉलिंग विल होल्ड ट्रू तो आपको क्या दे रखा है को रिलेशन पॉइंट फाइव दे रखा है एंड द स्टैंडर्ड स्टैंडशन आर सिग्मा ए दे रखा है थ्री सिग्मा बी दे रखा है फाइव ये दिया हुआ है द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज पॉइंट जीरो टू फाइव इसका मतलब होता है आर स्क्वायर यहां पर स्टूडेंट गलती करेगा पॉइंट फाइव स्क्वायर करो कितना आ रहा है पॉइंट टू फाइव आएगा इसने दे रखा है पॉइंट जीरो टू फाइव कुछ लोग सस्ते में शहीद हो जाएंगे पॉइंट टू फाइव एंड पॉइंट जीरो टू फाइव आर डिफरेंट दूसरा कोई ऑप्शन यानी ये ऑप्शन गलत है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज प्रोड्यूसेस अ पोर्टफोलियो ऑफ लेसर रिस्क कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिक्योरिटी विल प्रोड्यूस अ पोर्टफोलियो ऑफ लेसर रिस्क अगर आपका को रिलेशन एक से कम है तो पोर्टफोलियो रिस्क विल बी लोअर देन कंबाइंड रिस्क ठीक है तो ये ऑप्शन सही लग रहा है फिर ये लिखा देर इज़ नो पोर्टफोलियो इफेक्ट रॉन्ग अगर आपका कोरिलेशन एक से कम है तो पोर्टफोलियो रिस्क कम कर सकते हैं हम उसके बाद लिख रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिक्योरिटी वुड प्रोड्यूस अ ज़ीरो रिस्क पोर्टफोलियो ये भी रॉन्ग ज़ीरो रिस्क तो नहीं होगा कम हो सकता है ठीक है और उसके बाद लिखा द को बिटवीन द रिटर्न ऑन द स्टॉक इज 15 अब को का फॉर्मूला क्या है आर इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी यह को का फॉर्मूला जरा ट्राई करते हैं पॉइंट फाइव इंटू फाइव इंटू पॉइंट फाइव इंटू थ्री इंटू फाइव पॉइंट फाइव इंटू थ्री इंटू फाइव सेवन पॉइंट फाइव आ रहा है शायद बट यहाँ फिफ्टीन लिखा हुआ है क्यों गलत हो भी समझ लो ये भी एक और शहीद होने का पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों को लगेगा कि तीन और पांच तो दिया हुआ ही है चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं पंद्रह सही लग रहा है इज इट राइट एक्चुअल आंसर इज सेवन पॉइंट फाइव तो इन सब में एक ही आंसर सही है बाकी चार दूर दूर तक भी सही नहीं है ऑप्शन बी ऑप्शन बी टिक कर दिया आपने क्वेश्चन नंबर थर्टी वन पे आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द ऑ ऑप्टीमल पोर्टफोलियो विल ऑप्टीमल यानी जो सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो होता है तो उसके बारे में आपको पता है इट विल गिव यू हाइएस्ट रिटर्न फॉर द सेम रिस्क एंड लोएस्ट रिटर्न फॉर द सॉरी लोएस्ट रिस्क फॉर द सेम रिटर्न अगर रिटर्न इक्वल है तो लोएस्ट रिस्क होगा और रिस्क इक्वल है तो रिटर्न हाइएस्ट होगा अब जरा आपको उस नॉलेज को यूज करके सही ऑप्शन टिक करना है ऑफर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर वेरिंग लेवल ऑफ रिस्क तो यहां पर आपको हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा तो इसको मैं एक बार साइड में छोटा सा टिक करके रखता हूं सही होने की संभावना है ऑफर मिनिमम रिस्क फॉर वेरियस लेवल ऑफ रिटर्न ऑफर मिनिमम रिस्क फॉर द वेरियस लेवल ऑफ रिटर्न ठीक है ये भी सही है इसका रिस्क सबसे कम होता है रिटर्न सबसे ज्यादा होता है रिटर्न इज मैक्सिमम, रिस्क इज मिनिमम, फिर लिखा ऑफर मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर वेरिंग लेवल ऑफ रिस्क ये गलत है ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का तो पर्पज है मैक्सिमम रिटर्न कमाना तो ये गलत है फिर लिखा ए एंड बी अब ये सही है क्योंकि ए और बी सही है तो ये सही है ये गलत है तो आपको क्या चूज करना होगा ऑप्शन डी काफी क्लोज है और जिसको अच्छे से पता है वही कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू की ओर प्रस्थान करें इफ द रिटर्न फ्रॉम अ पोर्टफोलियो इज आर जे रिटर्न फ्रॉम रिस्कलेस एसिड इज आर एफ रिटर्न फ्रॉम मार्केट इज आर एम रिटर्न फ्रॉम मार्केट इज आर एम इसको आर एम कर दो यहां पे आर एम रिटर्न फ्रॉम मार्केट इज आर एम एंड एंड इज द दिस्टेमेटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो एंड बीटा इज द सिस्टमैटिक रिस्क कर दो यहाँ पे एक बीटा वर्ड मिसिंग है शायद एंड बीटा इज द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो एंड बीटा इज द दिसटेमेटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो कैन बी एक्सप्रेसड एज बहुत ईजी एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो स्टॉक का रिटर्न कितना दिया हुआ है आर जे रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया हुआ है आर एफ टू बीटा इसको हम बोलते हैं एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो इसका एक नाम भी है ट्रेनर रेशियो इसको मैंने ये फार्मूले को कहाँ लिखा था शार्प पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में याद एक बड़ा सा फार्मूला लिखा था जिसको देख के दिमाग घूम गया था वहां पर इसको यूज़ किया था हमने तो अब मुझे ढूंढना है आर जे माइनस आर एफ अपॉन बीटा किधर है आर जे माइनस आर एफ अपॉन बीटा ये वाला है इसको जे समझो हाँ झगड़ा मत करना जे और आई ओ, ये तो गलत है क्योंकि इसमें आर एम माइनस कर दिया आर एम माइनस आर एफ अपॉन बीटा कर दिया है और इसमें आर एफ माइनस आर जे वाह जो जिसकी श्रद्धा लिखते चले गए ऑप्शन में नन ऑफ दी अबाव तो ऑप्शन ए सही है क्या देखो जरा ऑप्शन ए राइट आर जे माइनस आर एफ अपॉन बीटा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ये भी इजी है कर सकेंगे आप इफ़ द रिटर्न ऑन द स्टॉक इज ट्वेल्व परसेंट आर एफ इज सेवन परसेंट बीटा इज वन पॉइंट टू इस बार आपको कैलकुलेट करना उसी फार्मूले को यूज़ करके ट्वेल्व माइनस सेवन बाई वन पॉइंट टू वही फॉर्मूला है फोर पॉइंट वन सेवन जरा देखते हैं हमारा आंसर में फोर पॉइंट वन सेवन है यस करेक्ट थर्टी फोर चेंज इन द लिक्विडिटी नीड्स ऑफ एन इन्वेस्टर रिक्वायर्स चेंज इन द लिक्विडिटी नीड्स मतलब आपकी लिक्विडिटी की नीड बदल गई है आप एक इन्वेस्टर हैं या तो आपकी लिक्विडिटी की नीड बढ़ गई है? आपको ज़्यादा लिक्विड एसेट चाहिए या कम लिक्विड एसेट चाहिए तो आप क्या करेंगे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करेंगे या नए पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे या नई पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे या पोर्टफोलियो को कुछ नहीं करेंगे या नया पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे और एग्जिस्टिंग को भी रिवाइज करेंगे वाह नन ऑफ दब आप क्या करेंगे एग्जिस्टिंग को रिबैलेंस कर लेंगे मान लो आपकी लिक्विडिटी की नीड ज्यादा है तो आप जो इक्विड एसेट है कम लिक्विड है उसको सेल करके लिक्विड एसेट में पैसा डाल दोगे है कि नहीं तो ये सही है ना नया पोर्टफोलियो कौन क्रिएट करने वाला जब एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तो उसी को रीबैलेंस करना है आपको ऑप्शन ए इज राइट 35 कांस्टेंट रेशियो प्लान रिक्वायर्स याद है क्या कांस्टेंट रेशियो प्लान यानी डेट इक्विटी का हम एक सर्टन मिक्स मेंटेन करना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रेशियो प्लान अब उसमें पांच ऑप्शन है आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है द एग्रेसिव पोर्टफोलियो टू बी मेंटेन्ड एट अ फिक्स्ड रेशियो टू द न्यूट्रल पोर्टफोलियो फिर लिखा है एग्रेसिव पोर्टफोलियो टू बी मेंटेन एट अ फिक्स रेशियो टू कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो एग्रेसिव का मतलब है इक्विटी जिसमें रिस्क ज़्यादा है और कंजर्वेटिव का मतलब है जिसमें रिस्क कम है डेट ठीक है तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है अभी तक बिकॉज हम उसमें इक्विटी और डेट के बीच एक सर्टन रेशो मेंटेन करते हैं इक्विटी और डेट के बीच एक सर्टन रेशो मेंटेन करते हैं फिर लिखा है एग्रेसिव पोर्टफोलियो इज टू बी मेंटेन्ड एट अ फिक्स रेशियो टू अ टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो फिर लिख रहा है एग्रेसिव पोर्टफोलियो टू बी मेनटेन एट अ वेरिएबल रेशियो टू द कंजर्वेटिव वेरिएबल को तो काट ही दो ये तो हो ही नहीं सकता द एग्रेसिव टू मैंटेन एट अ वेरिएबल रेशियो टू न्यूट्रल पोर्टफोलियो ये भी गलत ये भी गलत बी और सी सही है बट उसमें कौन सा ज़्यादा सही है अब वो आपको टिक करना है या तो आप बोल सकते हो एग्रेसिव और कंजर्वेटिव का रेशियो फिफ्टी फिफ्टी है या बोल सकते हो एग्रेसिव इज फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल वो भी सही है ना एक ही बात है फिफ्टी फिफ्टी बोलो या फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल हंड्रेड परसेंट बोलो तो इस हमें टिक करना है बी यूजुअली हम बोलते हैं डेट इक्विटी का रेशो फिक्स्ड होना चाहिए इतना परसेंट डेट और इतना परसेंट इक्विटी क्वेश्चन नंबर थर्टी पे आना ये भी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट को याद होगा हमने थ्री लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी पढ़ी है सबसे नीचे वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी याद आ रहा है कि नहीं दूसरा है सेमी स्ट्रांग और तीसरा है स्ट्रांग वीक फॉर्म में सिर्फ टेक्निकल इंफॉर्मेशन आता है सेमी स्ट्रांग में टेक्निकल एंड फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आता है और स्ट्रांग फॉर्म में टेक्निकल फंडामेंटल एंड इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी आ जाता है इस नॉलेज के द्वारा अब आपको इस आंसर को हैंडल करना है द सेम इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशेंट मार्केट हाइपोथेसिस इज दैट स्ट्रॉक प्राइसेस फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल हिस्टोरिकल प्राइस इंफॉर्मेशन ये गलत है क्योंकि दिस हिस्टोरिकल प्राइस इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड बाई वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी मतलब वो गलत इसलिए है क्योंकि वो किसी और का स्टेटमेंट यहां जोड़ रहा है ओके नेक्स्ट इज अब वो पूछ रहा है कि द फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल प्राइस इंफॉर्मेशन फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल प्राइस इंफॉर्मेशन फिर लिखा फुली रिफ्लेक्ट ऑल इनसाइड इन्फॉर्मेशन ये भी गलत ये भी गलत ऑल प्राइस इन्फॉर्मेशन में इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी आ गया बट सेम इज स्ट्रॉन्ग में इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं होता है ओनली पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड पास डेटा इनसाइड तो हो ही नहीं सकता फुल्ली रिफ्लेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन ये सही है वेदर पब्लिक और हिस्टोरिकल यानी जो इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल है कंपनी का बैलेंस शीट कंपनी का एनुअल रिपोर्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री ओके न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन है सेमी स्ट्रांग फॉर्म में वो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का इफेक्ट आ चुका है देन आर प्रडिक्टेड बाय लुकिंग इनटू हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड ये भी गलत है दिस इज वीक फॉर्म वीक फॉर्म ही नहीं है वीक फॉर्म में भी प्रडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो लास्ट वाला ऑप्शन तो पूरा ही गलत है ओके okay? तो किसको टिक करेंगे डी को टिक करेंगे वही एक सही आंसर है बाकी सब दूर दूर तक भी सही नहीं है क्वेश्चन थर्टी सेवन बस और थोड़ा सा क्वेश्चन थर्टी सेवन बीटा ऑफ अ पोर्टफोलियो इज वन पॉइंट वन पोर्टफोलियो का बीटा अभी एक से ज्यादा है मतलब थोड़ा एग्रेसिव है रिस्की है द इन्वेस्टर हु ओल्ड दिस पोर्टफोलियो फोर्सिज अ बेरिस फेज बेरिस मतलब मार्केट गिरने वाला है लग रहा है कि अब तो स्टॉक मार्केट गिरेगा तो अब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो बीटा आपका अगर हाई है तो धड़ाम से गिरेगा तो आपको रिस्क कम करना है इन शॉर्ट रन एंड वांट्स टू रिड्यूस द बीटा टू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो टू पॉइंट सिक्स इसको पॉइंट सिक्स कर दो वांट्स टू रिड्यूस द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो टू पॉइंट सिक्स सिक्स लिखा है ना उसको पॉइंट सिक्स करना है क्योंकि 1.1 से कम करेंगे तो छः थोड़ी होगा कम करना है पॉइंट जो है वो उस तरफ चला गया इस तरफ होना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटीज कैन बी अडॉप्टेड फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ बीटा तो बीटा कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं तो तीन स्ट्रैटी उसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी सही है पहला स्ट्रैटेजी है सेल अ पार्ट ऑफ़ द इक्विटी पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन डिबेंचर क्या इससे बीटा कम होगा हाँ या ना हाँ बिकॉज इक्विटी का बीटा ज़्यादा है डिबेंचर का बीटा कम है हाई बीटा को हटा के आप ज़ीरो बीटा वाले को लाओगे तो आपका पोर्टफोलियो का बीटा घटेगा तो पहला आंसर यस yes, आप कर सकते हो उसी चीज़ को उसने दोबारा लिखा है सेल हाई बीटा स्टॉक एंड बाय लो बीटा स्टॉक ये भी सही है ये भी सही है क्योंकि अगर आप हाई बीटा स्टॉक को बेचोगे उसके बदले लो स्टॉक बीटा को लाओगे तो आपका पोर्टफोलियो बीटा कम होगा कम होगा और तीसरा शॉर्ट सेल हाई बीटा स्टॉक शॉर्ट सेल क्या ये ऑप्शन सही है हाई बीटा स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दो कल को मार्केट गिरा तो बाकी स्टॉक से जो नुकसान होगा जिस स्टॉक को आपने शॉर्ट किया है उससे फायदा होगा तो लॉस विल बी कॉम्पनसेटेड बाई गेन ऑन दिस स्टॉक तो इससे आपका रिस्क कम होगा या बढ़ेगा कम होगा अगर आपका लॉस किसी दूसरे के गेन से कॉम्पनसेट हो रहा है तो रिस्क कम होगा तो ये भी ऑप्शन राइट है अब आपको क्या करना है मैंने नीचे अभी तक आंसर देखा नहीं पहले अपने मन में मैंने सोचा कि कौन कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है अब आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे लिखा हो कि ऑल द अबव थ्री ऑप्शन आर करेक्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग द पोर्टफोलियो बीटा है यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन बोलो हाँ तीनों तरीके से आप पोर्टफोलियो का बीटा कम कर सकते हो अब ये सब बिल्कुल ही फंडामेंटल क्वेश्चन है ओके ऑप्शन ई वाज राइट थर्टी एट नंबर आइए ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछने लायक है और तुम्हारी एग्ज़ाम में भी क्योंकि तुम फाइनेंस के स्टूडेंट हो सेंसेक्स के बारे में कितनी जानकारी है देखते हैं ज़रा विच ऑफ दी फॉलिंग इज नॉट ट्रू नॉट ट्रू मतलब पांच में से चार सही है एक गलत है तो आपको गलत वाला लाइन ढूंढ के निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बी एस सी सेंसेक्स पहला लिखा बेस ईयर फॉर इंडेक्सिस नाइनटीन सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन जिसका जनरल नॉलेज अच्छा होगा उसको पता होगा ये सही है दिस मैथड ऑफ कंपाइलिशन इज सेम एज यूज बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर यूएस सही है इट इज अ फ्री फ्लोट बेस्ड इंडेक्स बताया गया फ्री फ्लोट बेस्ड इंडेक्स का मतलब जो शेयर सिर्फ ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है जो शेयर सिर्फ नॉन प्रमोटर होल्डिंग बोलते हैं उसको इट इज बेस्ड ऑन नॉन प्रोमोटर होल्डिंग नॉन प्रमोटर होल्डिंग इज़ कॉल्ड फ्री फ्री फ्लोट बेस्ड इंडेक्स ठीक है इंडिया में जो दोनों इंडेक्स है निफ्टी और सेंसेक्स वो फ्री फ्लोट है यानी उनका कैलकुलेशन सिर्फ उन शेयर के बीच में होता है होता है उन शेयर के आ, उस पोर्शन के लिए होता है जो पब्लिकली अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग प्रमोटर अपने शेयर को ट्रेडिंग करते हैं क्या नहीं कम बहुत ही कम तो पहला तीन जो ऑप्शन है वो सही थे हमें गलत को ढूंढना है ऑल अंडरलाइन ऑल ऑल इंडेक्स फ्यूचर आर बेस्ड ऑन बी एस सी सेंसेक्स इन इंडिया सही है कि गलत गलत है इंडिया में निफ्टी फ्यूचर भी तो है तो गलत हो गया ना ये तो ये आपका आंसर है लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं बेस ईयर एवरेज इज सुटेबली एडजस्टेड वेन कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स डिवेंचर्स आर इशूड एज राइट टू द इक्विटी इशर होल्डर ये भी करेक्ट है जब भी राइट इशू वगैरह होते हैं तो इंडेक्स में एडजस्टमेंट होता है ताकि उसका इफेक्ट को दिया जा सके बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन था बट एक चीज़ आपको पता है कि इंडिया में ऑल इंडेक्स फ्यूचर्स आर नॉट बेस्ड ऑन बी एस सी सेंसेक्स इनफैक्ट बी एस सी सेंसेक्स से ज़्यादा पॉपुलर कौन है निफ्टी है बीएससी सेंसेक्स के बेसिस पे सिर्फ बीएससी सेंसेक्स फ्यूचर ट्रेड होता है नॉट ऑल नॉट ऑल एक और करेंगे थर्टी नाइन नंबर रिस्क फ्री स्टॉक एज अ अटा ऑफ बहुत इजी है रिस्क फ्री स्टॉक एज अ बीटा ऑफ रिस्क फ्री कोई रिस्क ही नहीं है जिसमें कोई रिस्क नहीं उसका बीटा कितना होगा ज़ीरो होगा ऑप्शन में देखना कहीं ज़ीरो दिया हुआ है क्या यस yes. एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है बाद में पढ़ लेना फोर्टी नंबर विच ऑफ दॉट एन एजम्पन अंडर सी ए पी एम नॉट एन अजम्पन अंडर सी ए पी एम मतलब पांच में से चार एजम्पन है और एक नहीं है मतलब डेंजरस क्वेश्चन स्टूडेंट को पूरा थ्योरी पढ़ के जाना है पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ के जानी है आपको फर्स्ट ए इन्वेस्टर मेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन अ single period horizon if the perceived risk is high risk invest, averse investor expects higher return investor is not limited by his wealth and price of the asset asset can be bought at the ongoing market price capm is based on all the above assumption upar puchra which of them is not an assumption C, the answer is C. You are right. Investor is not limited by his wealth and price of the asset is a wrong assumption. Investor is limited by his wealth. ठीक है? Investor is limited by his wealth and price of the asset. कितना शेयर खरीदेगे तुम? जितना तुम्हारे पास wealth है, तो ये वाला option गलत है. बाकी सब assumption सही थे. C A P M is based ऑन वन ऑफ द एजम्पन दैट इन्वेस्टर इज लिमिटेड ओनली बाई हिज वेल्थ एंड द प्राइस ऑफ द एसेट ठीक है तो मैंने टोटल पचास एम सी क्यूज आज लेने की सोची है चालीस हो गए और दस लेंगे पाँच मिनट में ठीक है बाकी ईजी है क्योंकि बाकी में कैलकुलेशन नहीं है इफ़ द स्लोप ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज ज़ीरो ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है सिक्योरिटी मार्केट लाइन का स्लोप जीरो दे रखा है मतलब वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन है स्लोप होने के लिए कुछ एंगल बनना चाहिए लेकिन अगर मान लो ये स्लोप जीरो है तो पहले मन में आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है उसका और वो डायग्राम कैसा दिखेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू ये यहां पर आर एफ है रिस्क फ्री रिटर्न इज इक्वल टू मार्केट रिटर्न अब जो भी है इसी लाइन पे है जो भी है इसी लाइन पे है लो आपका बीटा वन है मार्केट का बीटा वन होता है वो भी इतना ही है मार्केट रिटर्न इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न भी इतना ही होगा जो है इतना ही है एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न ये है मार्केट रिटर्न ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ये रिस्क फ्री रिटर्न फिर लिख रहा बोथ ए एन सी अबाव बोथ ए बी एंड सी अब तो कौन सा स्टेटमेंट सही है लास्ट वाला सही है अगर स्लोप ज़ीरो है तो सभी सिक्योरिटी का रिटर्न विल भी इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न अच्छे बच्चे ड्रॉ करके रखेंगे ताकि उनको बाद में ध्यान आए और यहाँ पर उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है ऐसे क्वेश्चन आ गए और पहले से पढ़ के जाओगे तो आपको इजी रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू एक क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ नॉन डाइवर्सीफाइबल रिस्क मतलब दो नेगेटिव वर्ड यूज़ किया है क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं विच ऑफ़ देम इज़ अ डाइवर्सीफाइबल रिस्क सीधा सीधा पूछने की जगह उसने घुमा फिरा के बोला नॉट अ नॉन डाइवर्सीफाइबल रिस्क पैसे लूटने का ना ये सब एक बहाना है कुछ लोग ये डबल नेगेटिव में ही लुढ़क जाते हैं शिकार हो जाते हैं पहले तो याद करो डाइवर्सीफाइबल रिस्क का मतलब होता है विच कैन बी डाइवर्सिफाइड अवे विच अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर फर्म और अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री नॉन डाइवर्सिफाइबल विच के नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे विच अफेक्ट द होल इकोनॉमी ओके तो लेटस सी एक है लॉकआउट इन अ कंपनी ड्यू टू वर्कर स्ट्राइक वर्कर डिमांडिंग अ वेज हाइक तो यहां पर हम लिखेंगे इट इज अ डाइवर्सिफाइबल रिस्क क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी को यह रिस्क अफेक्ट कर रहा है जहां पर वर्कर डिमांड कर रहे हैं वहां के शेयर बेच के दूसरी जगह चले जाओ ना स्लम्प इन द इंडस्ट्री फिर तीसरा लिख रहा है लैक ऑफ स्ट्रेटी फॉर द मैनेजमेंट इन द कंपनी ये भी डायवर्सीफाइबल रिस्क है क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं आपको लगे कंपनी के पास अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है बदल दो चेंज इन द टैक्स स्ट्रक्चर फॉर कॉरपोरेट इन द यूनियन बजट ये तो नॉन डाइवर्सीफाइबल रिस्क है सरकार के टैक्स स्ट्रक्चर से सभी लोग परेशान हैं या हो सकते हैं तो ये नॉन डाइवर्सिफाइबल है अब नीचे लिखा बहुत ए एंड सी अब ए तो नॉन ए तो डाइवर्सीफाइबल है सी भी डायवर्सीफाइबल है बी कैन बी डायवर्सीफाइबल और बी कैन बी नॉन डायवर्सिफाइबल ऑल्सो क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है या हो सकता है सारी इंडस्ट्री में अगर रिसेशन आ जाए तो नॉन डाइवर्सिफाइबल हो जाएगा जैसे कोरोना आ गया तो सारी की सारी इंडस्ट्री डूबेगी ठीक है सिर्फ वो मेडिकल वाले बच गए बाकी सारे डूबेंगे तो यहां पर जो बेस्ट आंसर है मेरे हिसाब से ए एंड सी को टिक करना होगा ई फोर्टी थ्री नंबर द अमाउंट ऑफ रिस्क रिडक्शन डिपेंड्स ऑन रिस्क आप कितना रिड्यूस कर सकते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन यस दिस इज़ अ करेक्ट आंसर अगर डिग्री ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव है तो रिस्क ज़्यादा घटेगा लो पॉजिटिव है तो भी घटेगा हाई पॉजिटिव है तो कम घटेगा दूसरा नंबर ऑफ स्टॉक ये भी सही है जितना स्टॉक्स बढ़ते जाएगा रिस्क कम होता जाएगा लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था हमने कल उसमें पहले मैंने दो स्टॉक लिया फिर पाँच लिया फिर दस लिया अब चाहिए तो नोटबुक में देखना दस वाले का रिस्क दो वाले से कम है ठीक है ये भी सही है मार्केट इंडेक्स मूवमेंट बोथ ए एंड बी ए बी एंड सी मार्केट इंडेक्स मूवमेंट की वजह से आपका रिस्क रिडक्शन नहीं हो सकता बिकॉज वो अलग है मार्केट किसी की नहीं सुनता मार्केट किसी की नहीं सुनता सुनता है क्या आज सुबह से मैं प्रे कर रहा था कि काश सेंसेक्स बढ़ जाए लेकिन बढ़ा ही नहीं मैंने तो वो जय श्री राम भी किया ठीक है मैं बोला प्रभु कुछ करो बहुत पैसा लगा हुआ है कुछ नहीं प्रभु ने कहा कोरिलेशन घटाओ प्रभु ने कहा नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाओ अपने पोर्टफोलियो में बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता मार्केट का तो आंसर इज ए एंड बी ठीक है तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये क्वेश्चन उसने डायरेक्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायवर्सिफाइबल रिस्क इन्फ्लेशन रिस्क इज नॉन डाइवर्सिफाइबल इंटरेस्ट रिस्क इज नॉन डाइवर्सिफाइबल मार्केट रिस्क इज नॉन डाइवर्सिफाइबल लेकिन बिजनेस रिस्क इज डायवर्सीफाइबल बोथ बी एंड डी अबव दिस इज रॉन्ग क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिस्क इज नॉट द डाइवर्सीफाइबल रिस्क तो आपको डी टिक करना है उसके बाद क्वेश्चन फोर्टी फाइव इफ अ पर्सन होल्ड्स अ डायवर्सीफाइड पोर्टफोलियो यानी इसका पोर्टफोलियो पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो चुका है जितना भी नॉन डाइवर्सीफाइबल जितना भी डाइवर्सीफाइबल रिस्क था वो हटा चुका है तो अभी कौन सा रिस्क बचा अभी सिर्फ नॉन डाइवर्सीफाइबल रिस्क बच गया है अभी सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क बच गया है नॉन डाइवर्सीफाइबल रिस्क को सिस्टमैटिक रिस्क भी बोलते हैं द रिस्क अ सिक्योरिटी वुड एड वुड बी स्पेसिफिक रिस्क रॉन्ग सिस्टमैटिक रिस्क यस पोर्टफोलियो रिस्क नो लिक्विडिटी रिस्क नो डाइवर्सीफबल रिस्क नो पूरी तरह से डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अगर आप कुछ और ऐड करेंगे तो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क ही बढ़ेगा देखते हैं क्या आंसर बी दिया हुआ है वाओ बी इज द राइट आंसर एक और फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग के जी इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इन टू के एम माइनस आर एफ ये सी ए पी एम का फॉर्मूला है आर एफ कैन बी द रेट ऑफ रिटर्न अंड ऑन गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी तुम पूछो पूछो सर ये गिल्ट सिक्योरिटी क्या क्या होता है? क्या होता है है बोलो क्या होता है नहीं पता गवर्नमेंट सिक्योरिटी आसपास लिख के रख लो मतलब तुम फाइनल के स्टूडेंट हो तो तुम्हें अब धीरे धीरे ये सब बेसिक फाइनेंस के टर्म्स अब पता होने चाहिए इंटर तक माफ़ कर सकते हैं तो आर एफ का मतलब है रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये स्टेटमेंट ट्रू है ई बीटा इज मोर देन वन सिक्योरिटी इज वालाटाइल वेरी ट्रू लोअर बीटा विल गिव लोअर रिस्क प्रीमियम वेरी ट्रू देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ ज़ीरो बीटा एग्जिस्ट ये भी सही है जीरो बीटा भी हो सकता है अरे जब चारों ही सही है तो ऑल ऑफ दी दबाब सही हो गया किसको टिक करेंगे ई e को टिक कर देना क्योंकि ऊपर के चारों स्टेटमेंट राइट थे क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन द स्लोप ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट लाइन सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे बड़े क्वेश्चन है यह है स्लोप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन यहां पर है बीटा यहां पर है रिक्वायर्ड रिटर्न ये लाइन है रिस्क फ्री लाइन और ये जो डिफरेंस है दैट इज रिस्क प्रीमियम याद आया कुछ जिसने पढ़ा होगा उसको याद आया होगा तो so, पहले दिमाग में सिक्योरिटी मार्केट लाइन बनाना अब ऑप्शन ढूंढना द स्लोप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन डिनोट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट वॉल्टिलिटी बीटा इन्फ्लुएंस ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड द रिस्क प्रीमियम रिक्वायर्ड अब आपको किसी एक को टिक करना है ये जो लाइन है ये जो एंगल है दैट इज स्लोप तो ये स्लोप किस चीज को इंडिकेट कर रहा है ये रिस्क प्रीमियम दैट इंडिकेट्स रिस्क प्रीमियम यहां पे सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं ये गलत है बीटा किसी को लगेगा अच्छा एस में बीटा होता है चलो टिक कर देते हैं किसी को लगेगा चलो एस में एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं पूछ क्या रहा है स्लोप ऑफ सी इंडिकेट्स तो रिस्क प्रीमियम अगर ये लाइन ऐसी होगी तो रिस्क प्रीमियम और ज़्यादा होगा अगर लाइन ऐसी होगी तो रिस्क प्रीमियम और ज़्यादा होगा फॉर एवरी वन यूनिट ऑफ बीटा रिस्क प्रीमियम विल विल डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ द लाइन सो द आंसर इज इजी क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट स्क्रीन पर आ ही नहीं रहा अपने से कर लेना होमवर्क फोर्टी नाइन गलती से वो आया ही नहीं अ अक्योरिटी सेट टू बी एग्रेसिव एग्रेसिव स्टॉक का मतलब होता है याद करो जिसका बीटा एक से ज़्यादा हो जिसकी वालाटिलिटी ज़्यादा हो अब ऑप्शन देखते हैं पहला ऑप्शन तो सही है पहला ऑप्शन सही है दूसरा है प्लॉट्स ऑन दी अपर पार्ट ऑफ एस एम एल ये हमारा एस एम एल है यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू वन है तो एग्रेसिव स्टॉक का बीटा एक से ज़्यादा होगा मतलब इट विल बी ऑन दिस पार्ट अपर पार्ट ऑफ एस एल दिख रहा है क्या इसका बीटा एक से ज़्यादा है एंड इट इज हेयर ऑन द अपर पार्ट ऑफ एस एम एल तो ये भी सही है गिव्स बिलो एवरेज रिटर्न ना लाइक बीटा एक से ज़्यादा है तो रिटर्न कम कैसे होगा रिटर्न तो ज़्यादा होगा बोथ ए एंड बी ये सही है बोथ बी एंड सी ये गलत है बिकॉज सी इज़ नॉट द राइट आंसर इस तरह से दिमाग लगा लगा के आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं अभी क्लास में मैं बैठा हूं तो आपको इजी लग रहा है आज अपने से ट्राई करना कितने सही होते हैं ठीक है आज होमवर्क में क्या करना 51 से 100, आंसर देखे बिना पहले ट्राई करना फिर काउंट करना देन यू विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर फाइव जीरो एक और क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिर से वही तरीका नॉट अ नॉन डाइवर्सीफाइबल रिस्क अरे भाई डायवर्सीफाइबल रिस्क ही पूछ लेते ना क्यों गरीब बच्चों को लूट रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क इज अ नॉन डाइवर्सीफाइबल रिस्क परचेजिंग पावर रिस्क इज अ नॉन डाइवर्सीफाइबल रिस्क ऑपरेटिंग रिस्क इज़ अ डायवर्सीफाइबल रिस्क मार्केट रिस्क इज नॉन डायवर्सिफाइबल पॉलिटिकल रिस्क इज अ नॉन डाइवर्सिफाइबल वैसे अदानी जी के लिए डायवर्सिफाइबल ही है ठीक है <laughs> बाकियों के लिए नॉन डाइवर्सीफाइबल है यहां पे एक एस्ट्रिक मार्क करके नीचे एक नोट होना चाहिए था एनीवे, anyway, तो आंसर ऑब्वियस है सी ऑपरेटिंग रिस्क इज अ डायवर्सीफबल रिस्क क्या देखते हैं आंसर क्या दिया वही है तो पहले आपके मन में आपको सही आंसर ढूंढना है एम का जो बेस्ट लॉट तरीका होता है ऑप्शन देखे बिना पहले आपको देखना है कि हम क्या हमें क्या लगता है अगर वो मैच हो रहा है ऑप्शन के साथ तो सही है दो नेगेटिव वाले अगर क्वेश्चन आए तो पहले आसपास उसका पॉजिटिव वर्जन लिख लेना है अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो सकता है और फिर आपको सॉल्व करना है ठीक है तो आज होमवर्क में बाकी क्वेश्चन करना 51 से लेकर कितने हैं अरे बाप रे एक सौ क्वेश्चन और करने हैं आपको आज ही कर लेना या एक बार ये चैप्टर अच्छे से आपका हो जाए ना रिवाइज़ हो जाए फिर करना ठीक है तो काफ़ी अलग अलग रिसोर्सेज से ये क्वेश्चन एक्यूमुलेट किए गए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है मतलब आपकी स्टडी मटल में जो थियोरी है उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन अच्छे से करेंगे बोलो यस yes. yes. तो ये पचास क्वेश्चन का पोर्टफोलियो का एमसीक्यू सी यहाँ पर समाप्त होता है थैंक यू ओके नाउ विल टेक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक म्यूचुअल फंड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और आंसर बताएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड हैज़ अ फिक्स्ड ऑप्शन ए एन ऑप्शन बी फंड साइज Option C, rate of refund, and option D, number of distributors. The Student, ka can I have fund size? Option B, very good. Second question, the maximum load that a fund can charge is determined by AMC, SEBI, MFI, distribution agent, SEBI. The answer is SEBI, very good. Third, the amount required to buy. हंड्रेड यूनिट्स ऑफ अ स्कीम हैविंग एन एंट्री लोड ऑफ वन पॉइंट फाइव परसेंट एंड एन ए वी ऑफ रुपीज ट्वेंटी इज पहले ट्वेंटी प्लस वन पॉइंट फाइव परसेंट करना और इन टू हंड्रेड करना देखना कितना आंसर आ रहा है टू ज़ीरो थ्री ज़ीरो चाहिए तो कैलकुलेशन लिख के रखना तो दिस आंसर इज डी टू ज़ीरो थ्री ज़ीरो

बट इक्विटी ग्रोथ फंड से कम है सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी ग्रोथ फंड में है गिल्ड फंड में सबसे कम है ठीक है सो द आंसर इज इक्विटी ग्रोथ फंड इज राइट सिक्स नंबर द एन एवी ऑफ अ म्यूचुअल फंड ऑप्शन सी फ्लक्चुएट्स विद द मार्केट प्राइस मूवमेंट वेरी गुड ऑप्शन सी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इज वन That has ऑप्शन बी यूनिट अवेलेबल फॉर सेल एंड रीपर्चेज एट ऑल टाइम्स वेरी गुड आंसर ऑप्शन बी इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है चैप्टर एट नंबर एन इन्वेस्टर इन अ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड कैन गेट हीज और हर मनी बैक बाई सेलिंग हीज और हर यूनिट क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में आप कैसे अपना पैसा रिकवर कर दें क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड हाँ जी बताओ ऑप्शन सी वेयर द फंड इज लिस्टेड क्लोज एंडेड फंड में अगर आपको बेचना है तो स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हैं ऑप्शन सी इज राइट क्वेश्चन नंबर नाइन द लोड चार्ज्ड टू एन इन्वेस्टर इन अ म्यूचुअल फंड इज एक्सपेंस इंकर्ड बाय द फंड मैनेजर्स फॉर मार्केटिंग आ म्यूचुअल फंड स्कीम ओके सो ये आपका आंसर नाइन का डी इज द राइट आंसर एक्सपेंसिस इनकर्ड बाय द फंड मैनेजर फॉर मार्केटिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम ऑप्शन सी भी काफ़ी क्लोज है द फीस द एजेंट चार्जेस टू द इन्वेस्टर बट दैट इज़ नॉट राइट सो ऑप्शन डी टिक करना उसके बाद टेंथ नंबर क्वेश्चन यूनिट्स फ्रॉम एन ओपन इंड म्यूचुअल फंड्स आर बॉट ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड को आप कहाँ खरीदोगे ऑप्शन बी फ्रॉम द फंड इट उसके लिए कहीं जाना नहीं उसी फंड से खरीदना है और उसी फंड को जाकर वापस बेचना है क्वेश्चन इलेवन अ म्यूचुअल फंड इज नॉट अ म्यूचुअल फंड इज नॉट अ म्यूचुअल फंड इज़ नॉट अ कंपनी दैट मैनेजेस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल तो ये म्यूचुअल फंड का काम ये नहीं है म्यूचुअल फंड में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है और बाकी तीन फीचर सही है म्यूचुअल फंड के बारे में इट इज़ ओन्ड ज्वाइंटली बाई ऑल द इन्वेस्टर इट इज़ अ पूल ऑफ फंड्स यूज टू परचेज सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर एंड इट इज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल म्यूचुअल फंड को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी बोलते हैं तो आंसर बी वाज राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखना लोड कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट ये सही है इससे थोड़ी रिकवर करते हैं पॉइंट नंबर डी इज राइट क्वेश्चन नंबर थर्टीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ अ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज जरा बताएंगे सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल ये ज़्यादा सही है हाई रेगुलर इनकम कम सही है बट आपको एक ही चूज़ करना है तो यहाँ पर मोस्टली हम क्या करते हैं प्रिंसिपल को सेफ रखने के लिए इन्वेस्ट करते हैं और छोटा मोटा इनकम भी जनरेट हो जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू डेट फंड्स नॉट इन्वेस्ट डेट फंड इन्वेस्ट नहीं करते हैं ऑप्शन डी इक्विटी में डेट फंड्स डू नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी ऑप्शन डी इज राइट वेरी गुड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क डू नॉट अफेक्ट अ डेट फंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क डू नॉट अफेक्ट अ डेट फंड ऑप्शन सी शेयर प्राइस मूवमेंट बिकॉज वो शेयर प्राइस में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं तो उसका रिस्क ही नहीं है वेरी गुड आंसर क्वेश्चन सिक्सटीन अश्योर्ड रिटर्न और गारंटिड मंथली इनकम प्लान्स आर इसेंशियली ऑप्शन सी स्टूडेंट का कहना ऑप्शन सी डेट और इनकम फंड तो यहाँ पर आपको एक हर महीने रिटर्न मिलता है करेक्ट ऑप्शन सी इज़ राइट सेवेंटी नंबर क्वेश्चन

इन एडिशन टू द इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक विद्रॉल प्लान में प्रिंसिपल तो मिलेगा ही जो भी फंड में इनकम जनरेट हुई है वो भी आप मिल वो भी आपको मिलता है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है द ऑप्शन इज ट्रू ए वेरी गुड ये सारे क्वेश्चन जो है इस बुक में है ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन ट्रू ऑफ एन ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट प्लान अन यानी आपको गलत स्टेटमेंट को ढूंढकर टिक करना है क्वेश्चन नंबर 19 अपने से पहले पढ़ो सोचो फिर जवाब दो हाँ जी बोलो जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एन ऑटोमेटिक री प्लान जो डिविडेंट री प्लान आपने पढ़ा है ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट प्लान अलाउज फॉर एक्मलेन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द फंड ये स्टेटमेंट ट्रू है मेजर बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट इज कंपाउंडिंग ये भी स्टेटमेंट ट्रू है द प्लान अलाउज फॉर ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल इनकम एंड कैपिटल गेन ट्रू है द बेनिफिट ऑफ ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट इज ऑफ एंड लॉस्ड ऑन अकाउंट ऑफ हेवी लोड चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट ये फॉल्स है तो आपको फॉल्स वाले स्टेटमेंट को सही टिक करना है अन ट्रू ये स्टेटमेंट अन ट्रू इसमें ऐसा कोई हेवी लोड चार्ज नहीं होता है डी क्वेश्चन ट्वेंटी वेन कंपेयरिंग टू अ फंड्स परफॉर्मेंस विद डेट ऑफ इट्स पियर ग्रुप द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंपेयर्ड फॉलोइंग कैन नॉट बी कंपेयर्ड किन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं फॉलोइंग कैन नॉट बी कंपेयर्ड आज हमने पढ़ा भी था सी को बॉन्ड फंड विद बॉन्ड फंड तो कंपेयर कर सकते हैं बी इज द राइट आंसर अ ब्रॉड बेस्ड इक्विटी फंड और एक आईटी सेक्टर फंड को कंपेयर नहीं कर सकते हैं आईटी सेक्टर में सिर्फ आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं जबकि ब्रॉड बेस्ड इक्विटी फंड में अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट होते हैं तो कंपेरिजन नहीं है टू डेट फंड विथ फाइव ईयर मेचोरिटी कंपेरेबल है बॉन्ड फंड विथ बॉन्ड फंड कंपेरेबल है गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंपेरेबल है तो ऑप्शन बी को टिक करना है तो ऐसे इंटेलिजेंट भरे क्वेश्चन आएंगे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड ऑफ एन इन्वेस्टर ऑफ द फंड एन इन्वेस्टर सिलेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड एन इन्वेस्टर सिलेक्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन सही है? बी यस yes. दोनों का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेम होगा तो अच्छा है इन्वेस्टर का भी ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ सपोज फंड का भी ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ तो अच्छा है इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और फंड का भी ऑब्जेक्टिव है तो मैच होना चाहिए ये पहला वाला गलत है आर ऑफ नो रिलेवेंस बेकार की बात चेंज विथ मार्केट मूवमेंट नहीं चेंज विथ चेंज इन एम सीज की परसोनल कुछ भी तो ऑप्शन बी इज राइट ट्वेंटी टू बताइए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड द इन्वेस्टर इज फंड डिस्ट्रीब्यूटर फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं उनको स्कीम के बारे में बताते हैं तो फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री जनरली विच कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स नीड एडवाइस फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इंडिविजुअल्स को ज़्यादा लगते हैं बाकी को क्यों नहीं लगते हैं बिकॉज इनके पास काफ़ी लोग ऑलरेडी काम करते हैं विच आर ट्रेंड फॉर आइडेंटिफाइंग गुड इन्वेस्टमेंट लेकिन नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ज़्यादा पता नहीं होता है इसलिए उनको फंड एडवाइजर की जरूरत ज़्यादा लगती है तो आंसर होगा इन्वेस्टर इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्वेश्चन ट्वेंटी फोर ट्रू और फॉल्स द रिस्क ऑफ अम्स एन एवी मूव्स अप और डाउन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट मूवमेंट इज अ स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर ट्रू वेरी गुड ऑप्शन ट्रू इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव टू कवर फंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ओपन एंडेड फंड्स चार्ज एंट्री एंड एग्जिट लोड फ्रॉम इन्वेस्टर यस दिस इज राइट चार्ज एंट्री एंड एग्जिट लोड क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स ट्रेल कमीशन मीन्स अभी मैंने बताया था ट्रेल कमीशन मीन्स पेइंग ऑप्शन सी थोड़ा अभी लूटेंगे थोड़ा धीरे धीरे करके लूटते रहेंगे जिंदगी भर जब तक वो इन्वेस्टमेंट होल्ड करेगा सो आंसर सी इज़ राइट उसके बाद ट्वेंटी सेवन इन अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सब्सक्रिप्शन आर अकाउंटेड फॉर एज यूनिट कैपिटल यहां पर हम उसको यूनिट कैपिटल बोलते हैं वेरी गुड आंसर ट्वेंटी एट एन ए वी ऑफ द म्यूचुअल फंड इज डिफाइंड एज द स्कीम एन ए वी कैसे निकालते हैं एसेट माइनस लाइबिलिटीज पर यूनिट सिर्फ एसेट माइनस लाइबिलिटीज को टिक नहीं करना है एसेट माइनस लाइबिलिटीज पर यूनिट को टिक करना है तो यहां पर आपका आंसर सी वॉज राइट वेरी गुड क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन अ फंड एन इज अफेक्टेड बाई परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज वैल्यूएशन यूनिट सोल्ड और रिडीम्ड एंड ऑल ऑफ दबाव तो यहां पर आंसर ऑल ऑफ द अबाव लिखना है सबकी वजह से आपका एन चेंज हो सकता है ऑल ऑफ दबाव एक और थर्टी नंबर विच ऑफ़ द फॉलोइंग एक्सपेंसिस के नॉट बी चार्ज टू द स्कीम के नॉट बी चार्ज टू द स्कीम आपने एक्सपेंस रेशियो में पढ़ा था इसको ऑडिट फीस चार्ज कर सकते हैं कॉस्ट रिलेटेड इन्वेस्टर कम्युनिकेशन चार्ज कर सकते हैं वाइंडिंग कॉस्ट फॉर टर्मिनेटिंग द स्कीम भी चार्ज करेंगे लेकिन पेनाल्टीज एंड फाइन्स फॉर इन्फ्रेक्शन ऑफ लॉ ये नहीं चार्ज कर सकते ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन थर्टी वन Which of the following are not true for equity linked saving scheme (ELSS) का आपने नाम सुना है सेक्शन 80C सी में उसका डिडक्शन मिलता है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तीन सही है एक गलत है तो गलत वाले को ढूंढना है इन्वेस्टर कैन क्लेम टैक्स रिबट ट्रू है देर इज अ लॉक इन पीरियड ट्रू है देर आर नॉट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये भी ट्रू है दिस फंड के नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटी ये अन ट्रू है और अन ट्रू को ही टिक करना है ऑप्शन डी थर्टी टू द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ अ म्यूचुअल फंड आपने पढ़ा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रस्टी का रोल क्या है बहुत ईजी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर डायरेक्टली मैनेज दी पोर्टफोलियो अगर तुम ही मैनेज करोगे तो ए क्या करेगी डू नॉट हैव द राइट टू डिसमिस द ए एम सी एंड कैनॉट सुपरवाइज एंड डायरेक्ट वर्किंग ऑफ ए एम सी तो इसका काम है मेन इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना थर्टी थ्री नंबर द एम सी ऑफ अ म्यूचुअल फंड के नॉट कै नॉट अंडरटेक एडवाइजरी सर्विसेज और फाइनेंशियल कंसल्टेंटी कैनॉट इन्वेस्ट द फंड्स इन अ गवर्नमेंट पेपर कैनॉट एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ मोर देन वन म्यूचुअल फंड एंड कैनॉट इन्वेस्ट द फंड्स इन सिक्योरिटी ऑप्शन सी ए एम सी ट्रस्टी नहीं होगा ठीक है सी बाकी काम वो कर सकता है द ट्रस्ट दैट मैनेजेज अ फंड इज अपॉइंटेड बाय मैंने आपको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड में बताया था ट्रस्ट इज़ अपॉइंटेड बाय स्पॉन्सर फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई काम नहीं है यहाँ पे वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री आरबीआई से भी दे रखा है जिसने पढ़ रखा होगा उसको ध्यान में रहेगा कस्टोडियन के बारे में मैंने आपको बताया है कस्टोडियन ऑफ अ म्यूचुअल फंड कस्टोडियन यानी कस्टडी रखता है जो सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शन ए ज राइट एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ ए म्यूचुअल फंड आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इनका काम फंड यूनिट होल्डर्स के रिकॉर्ड को मेनटेन करना अपडेट करना तो इसमें से ऐसा कौन सा काम है जो ट्रांसफर एजेंट नहीं करता है इन्वेस्टिंग द फंड इन सिक्योरिटी मार्केट ये काम इसका नहीं है ओके okay. ये काम किसका है फिर ए एम सी का है ये काम ए का है उसके बाद थर्टी सेवन नंबर पे आते हैं द स्पॉन्सर ऑफ अ म्यूचुअल फंड मे बी कम्पेयर टू तो। स्पॉन्सर का रोल किसकी तरह होता है प्रमोटर ऑफ अ कंपनी मैंने आज आपको स्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड के वक्त बताया था प्रमोटर ऑफ अ कंपनी फिर थर्टी एट नंबर इशूइंग एंड रिडीमिंग यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज द रोल ट्रांसफर एजेंट अभी ऊपर में भी ये क्वेश्चन में आया था रोल ऑफ ए एम सीज टू एक्ट एज इन्वेस्टमेंट मैनेजर इनका काम फ़ंड मैनेज करना है इन्वेस्टमेंट मैनेजर आफ्टर यू टी आई सबसे पहले यू टी आई आया था इंडिया में उसके बाद मैंने आपको बताया कौन आया है उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक वालों ने फंड लॉन्च किया था या पब्लिक सेक्टर बैंक ने लॉन्च किया था या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स ने लॉन्च किया था पब्लिक सेक्टर बैंक उसके बाद एस बी आई म्यूचुअल फंड आया कैन बैंक म्यूचुअल फंड आया ठीक है एक और द एंट्री ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड बाई म्यूचुअल फंड सेटअप बाई सबसे पहला म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया फोर्टी टू नंबर नाउ द रोल ऑफ एम फी एम फी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज नॉट टू कौन सा काम एम नहीं करती है रेगुलेट म्यूचुअल फंड ये सेबी का काम है दिस इज द जॉब ऑफ सेबी बाकी तीन काम एम का है प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर सेट अ कोड ऑफ एथिक्स से करती है अपने मेंबर्स के ऊपर और पब्लिक अवेयरनेस अब जो टीम इतना सारा ऐड देखते हैं न्यूज़पेपर में भी ऐड आता है कौन उसको उसका प्रचार कर रहा है एम कर रही है ठीक है 43 थ्री नंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ यूनिट होल्डर डू नॉट इंक्लूड आप यूनिट होल्डर हैं इसमें से आपका कौन सा काम आपका नहीं है विच इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिट होल्डर टेकिंग डिसीजन अबाउट वेयर फंड मैनेजर शुड इन्वेस्ट ये इसका काम नहीं है ये फंड मैनेजर का काम है बाकी अपने इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना ऑफर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ना ये सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर क्वेश्चन फोर्टी फोर पे आइए इनिशियल इश्यू एक्सपेंसेस आर चार्ज टू अ स्कीम इन द फर्स्ट ईयर इट्सल्फ ट्रू और फॉल्स फॉल्स इसको एक बार में चार्ज नहीं करते इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चार्ज करते हैं इट इज़ चार्ज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक और क्वेश्चन फोर्टी फाइव म्यूचुअल फंड्स वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट एट मार्क टू मार्केट बेसिस इज राइट क्योंकि एवरी डे मार्केट प्राइस जो होगा उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी वेरी गुड आंसर अब पैसिव फंड मैनेजर पैसिव फंड मैनेजर रिसर्चेज स्टॉक डज नॉट बाई एंड सेल स्टॉक ऑफन डज नॉट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टॉक सिलेक्शन एंड डज नॉट हैव टू ट्रैक स्टॉक कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है पैसिव फंड मैनेजर डज नॉट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टॉक सिलेक्शन डज नॉट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टॉक सिलेक्शन क्यों क्योंकि मान लो अगर निफ्टी फिफ्टी फंड है तो इसको ये निफ्टी के पचास स्टॉक में इन्वेस्ट करना है सेंसेक्स फंड है तो सेंसेक्स के थर्टी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी फंड है तो इक्यावन से लेकर सौ नंबर वाले जो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं उसमें इन्वेस्ट करना है ठीक है तो यहाँ पर इसका स्टॉक सिलेक्शन के झंझट नहीं है लेकिन हाँ उसको स्टॉक के बारे में पढ़ना पड़ेगा स्टॉक को बाई या सेल भी करते हैं सो दैट ही कैन जनरेट अल्फा मोर रिटर्न एंड ही हैज टू कीप द ट्रैक ऑफ द स्टॉक्स आल्सो एक और 47 सेवन अ फंड मैनेजर मैनेजिंग एन इंडेक्स फंड फंड मैनेजर मैनेजिंग एन इंडेक्स फंड बहुत इजी है ए ऑप्शन ए ही यस टू कीप द एक्सपेंसिस लो बिकॉज सेबी ने इनको कहा है कि तुम पैसिव फंड मैनेजर हो स्टॉक सिलेक्शन का झंझट तुम्हारा है ही नहीं तो तुम्हारा एक्सपेंस लो होना चाहिए टू कीप द फंड एक्सपेंसिस लो तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा हुआ है ए 47 का ए है ना ए राइट ए इज राइट 48 एट अ ग्रोथ मैनेजर लुक्स फॉर ग्रोथ मैनेजर अबव एवरेज अर्निंग ग्रोथ ओके वो चाहता है कि उसका अर्निंग रिटर्न बहुत ज्यादा हो अबव एवरेज अर्निंग ग्रोथ फोर्टी नाइन इन अ म्यूचुअल फंड द ओवरऑल डिसीजन ऑन एलोकेटिंग मनी टू पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेक्टर्स आर टेकन बाय फंड मैनेजर इज राइट कुछ कुछ स्टूडेंट को लगेगा इक्विटी एनालिस्ट कुछ कुछ महारथी को लगेगा सिक्योरिटी डीलर लेकिन जिसने चैप्टर शुरू से अभी तक अटेंड किया है अब उसको लगेगा एक ही आंसर फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है क्वेश्चन नंबर फाइव जीरो फिफ्टी कंटिन्यूस ट्रैकिंग ऑफ द कंपनीज इन विच अ म्यूचुअल फंड हैज़ इन्वेस्टेड इज डन बाय कंटीन्यूस ट्रैकिंग ऑफ द कंपनीज

Get the best CA revision lectures by top CA leaders specially designed to boost your confidence and knowledge and the best part of the lecture is that they are available at super affordable prices and available at any time anywhere. So hurry up and place your order from our website In. It is a perfect solution for your last minute revision. Hello, dear student friends. Now we are going to take some MCQs on advanced capital budgeting. I hope all of you are ready. Let us see how much you have studied on advanced capital budgeting. Have you understood or not? As a teacher, we are also interested in knowing whether our students are learning or not. One of the ways just to test quickly whether the students have understood the concept or not is through mcqs here is my first mcq for you you have to answer a b c or d okay so while writing your typing your answer you have to write 1 a 2 a 2 b whatever so that i can understand which question you are replying otherwise sometimes the answer comes a little late and by that time i have moved to the next question so, are you ready? Answer first question. Risk arises from various sources market risk, competition risk, international risk, all of the above. Which option is right? Very good. You have given correct answer D. Option D is right. Try the second question. Expected cash flows are expect are calculated as which we have done in this chapter in the beginning. Expected cash flows are calculated as sum of the likely cash flow of the project. Very good, Sajid. Sum of the likely cash flow of the project multiplied by probability of cash flow. Third, sum of the likely cash flow of the project divided by the probability of cash flow, and D, none of the above which option is right 2b the student is saying 2b very good 2b is the right answer third variance measures a how far each number in the set is just write this also if not printed in the book away from the mean the second line away from the mean is not typed please write it in your book if not typed b the mean of a given set data set what variance measures how far each number in the set is away from the mean the mean of the given data set return on investment level of risk borne for every percent of expected return you have to choose the best option if you think more than one options are possible choose the best option so the correct answer is a 3a tick mark 3a question number 4 certainty equivalent approach is option a guaranteed return from an investment after adjusting for certainty equivalent coefficient return that is expected over the lifetime of a project Equivalent to net present value, an important component in decision tree analysis. What, what is the right answer? 4a, very good. 4a is the right answer. 4a, guaranteed return from an investment after adjusting for certainty equivalent coefficient. So, the formula for uh, this is certain cash flow equal to uncertain cash flow into certainty equivalent coefficient very good answer okay question number 5 will require calculator the firm is expecting an npv of 10000 if the economy is exceptionally strong with 0.3 probability npv of 4000 if the economy is normal with 0.4 probability and npv of 2000 if it is weak 0.3 probability what is the expected npv quickly reply the student is saying 5a 5a is the right answer if you multiply all these numbers and take the total it will come to 5200 so 5200 is the right answer now the question number 6 is what is risk premium what is risk premium? Risk premium is the extra rate of return expected by the investor as a reward for bearing extra risk equivalent to the rate of government securities, return provided to equity shareholder or risk free return or risk free rate of return. 6a the student is saying 6a 6a is the right answer it is the extra rate of return expected by the investor for taking extra risk you are right seventh number calculation of coefficient of variance depends on calculation of coefficient of variance depends on standard deviation expected return Expected cash flow, all of the above. Coefficient of variation, standard deviation upon return. But this return can be expected cash flow also. So the answer will be all of the above. All of the above. Very good. Next, scenario analysis is considered under scenarios such as worst case scenario, best case scenario, best case scenario, all of the above. Answer is very obvious here. In scenario analysis, we consider worst, base, best, best case scenario, all of the above is the correct answer. Very good. Question number 9. Sensitivity analysis is useful in decision making because it shows the probability associated with each outcome. Write down. It tells the user how much critical each input is. It allows to calculate the probable result under different scenarios. it the results of sensitivity analysis are reliable what is your answer after doing sensitivity analysis you will get to know that sensitivity of the project is 20% cash flow is 25% discount rate may be 2% material cost may be 5% so after knowing all this you will get to know the criticality of each input parameter for example if the sensitivity analysis gives you 2% only it means discount rate is very critical change in discount rate even by 2% can affect the project so you will tick mark b B is the right answer. This is the scenario analysis. This option is for scenario analysis. A and D are totally wrong. Question number 10 When the risk is high, the cash flow under certainty equivalent coefficient will be CEC and cash flow. CEC and cash flow tell me are directly related or inversely related they are inversely related higher cc means risk is less cc and risk is inversely related but if cc is low risk is high this is in uh, inverse relationship so the answer will be b if the risk is high, the CC of the cash flow would be lower. So, tick mark B. 10B was the right answer. 10B was the right answer. Okay. So, with this, this wonderful chapter is over. Hello, friends. Welcome to MCQ on derivative today is the first part of derivative mcq and all of you will try and participate and see how many answers did, do you get right today's mcq would be very simple but next part will have some more difficult questions mcqs will be a part of your curriculum also it helps you to clarify your doubts it helps you to check your understanding also. So, let us begin this amazing derivative MCQ today. Question number one What is derivative? There are five options in this uh, question a product which derives its value from some underlying asset, essentially traded on the exchange. A contract to be performed sometime in the future at the terms decided today. Both A and C and all the three, which option is right? Please reply which option is right. Both A and C, all three, or only A, only B, only C. So keep your typing board ready and reply. What is the answer? Anybody? Anybody answer please? You can read the question on the screen and you can decide what is the most appropriate answer. Yes, please reply. The answer would be both A and C. The answer will be both A and C because <clears throat> Not all derivatives are essentially traded on the exchange. Forward contracts are <clears throat> not traded on the exchange. So, the correct answer was option D. Next question, number two Which of the following is or are not true about forward contracts? Which of these are not true about forward contracts? Forward contracts are tailor made contract is it true Default risk does not exist in forward contract Liquidity profile of this contract is high Both B and C Both B and C Which answer is right Both B and C Which is not true about forward contracts Yes, please reply fast. Please reply fast. Option D is the right answer because uh, default risk does not exist in forward contract is a wrong statement. Liquidity profile is high is a wrong statement, which means both B and C are not true. Both B and C are not true okay both b and c are not true any question now next point question number 3 For which of the following important problems of forward contracts which of the following important problems of forward contracts do futures address do futures address लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्रेडिट रिस्क सेटलमेंट प्रॉब्लम बोथ ए एंड सी ऑल थ्री आंसर्स ओके क्वेश्चन नंबर थ्री ट्राई अगेन The liquidity problem, which of the following important problems of forward contracts do futures address? The liquidity problem, credit risk, settlement problem, both A and C and all A, B and C. What is the answer now? Some students have replied E. Whether credit risk is eliminated in case of future contract? That is the question. Liquidity problem is solved, settlement problem is solved. What about credit risk? Credit risk may be there. Credit risk problem is also solved because exchange acts as a guarantor. Exchange acts as a guarantor. So, your answer is right E. The answer is right E okay there is some uh, internet issue and therefore there is some minor disturbance just please bear with me for this today which of the following can default which of the following can default risk also be defined as default risk can also be defined as uh, this lecture i'll upload on the youtube after some time you can watch it there. Don't worry, it will be uploaded today only. Okay, going back is not uh, feasible right now. Answer question number four Which of the following can default risk also be defined as? Default risk, credit risk, counterparty risk, liquidity risk, both A and B, all A, B, and C. Derivatives are subject to default risk. So, the correct answer is D. What is D? Both A and B, credit risk or counterparty risk, is also called default risk. Now, try this one. Question number 5 Which of the following is or are true about the future contract? Is or are means more than one answer is possible future contracts are standardized contract default risk is assumed by clearing house or clearing corporation price discovery in the contract is efficient both a and b all the three options are correct what is your view the student has replied e let us see e is the right answer all three options were correct everybody should participate question number 6 what does long future position mean what does long future position mean long future position means a right but not the obligation to purchase the underlying asset a right as well as an obligation to purchase the underlying asset it is the same as buying a forward contract it is same as selling an option Choose the correct answer, please. Long future position means buy as buying, and it is a right as well as an obligation to purchase. Correct answer was B. You are right. Very good. The correct answer was B. Then, question number seven Which of the following is true? If the price of the underlying asset rises sharply after the initiation of a future contract, option A the value of the long position in future contract becomes positive, the value of the long position in future contract becomes negative, the value of a short position in future contract becomes positive. Value of short position in future contract becomes negative and both A and D, both A and D, which option is right? If the price of the underlying asset rises, long position will become positive and short position will become negative. So, the correct answer is E. The correct answer is E. Correct answer is E. Just check it again. Correct answer is E. Is it right? <clears throat> correct answer is E. Long will become positive, short will become negative. You are right. The E was the right answer. Now we will try 8 number. BSC sensitive. Index which is called Sensex is a portfolio option A consisting of 30 scripts equally weighted, B 30 scripts weighted by their free float market capitalization, 30 scripts weighted by the number of outstanding share of this company, and D consisting of 100 scripts weighted by their Market capitalization. So many students have replied option B. <clears throat> Let us check. <clears throat> B is the right answer. B is the right answer. BSC Sensex is a 30 script weighted by free float market capitalization. Free float market capitalization means the market value of shares available with the public. Market value of the shares available with the public. Any query on this question number 8? Now read question number 9. Read question number 9. Which of the following is false? Which of the following is false? BSC sensitive index is managed by BSC. NSC consists of 30 scripts. Nifty consists of 30 scripts weighted by their free float, weighted by their free-float market capitalization, weighted by their free-float market capitalization. Market risk is also called systematic risk. Option on index is an example of index derivative. Which of the following is wrong? Out of 4 options, 3 options are right. 1 is wrong. Which option is wrong? You are right. Option B is wrong. Option B, Nifty consists of 50 scripts, not 30 scripts. Option B is wrong. Very good answer. Okay. So, when you will write the answer, you write question number also 10, 12, because sometime I receive your response maybe 1 or 2 minutes less. Late, and then I am not able to understand whether you are answering for 9th or 8th. Question number 10 BSC sensitive index is used to indicate the market movement, provide the benchmark for funds performance, provide index based derivative product, all of the above. What is the answer? What is the answer? Please reply. 10d 10 10d 10 everybody 10d so let me ask computer computer please reply 10d is the right answer bsc sensex is used for market movement for understanding fund performance and also derivative products are created bsc sensex future is there so that is useful all 3

For question number 11, some general knowledge is required. Okay. Some general knowledge will be useful. Anybody who got the answer for question number 11. This may not be easy for you because it is based on general knowledge. Option B was the right answer. BSC Sensex sensitivity Index Base year is 1978 79. From that time we have been using BSC Sensex. Okay, now we will go to question number 12. This is from portfolio chapter actually. Market risk reflects the risk arising due to market risk reflect the risk arising due to company specific factor. Industry specific factor, economic specific factor, or none of the above? Answer little fast. Market risk reflects the risk arising due to. This we have done in portfolio chapter. It is not country specific, company specific, it is not industry specific they are called diversifiable risk it is due to economic specific factor correct answer was option c is the right answer market risk is economic specific risk try question number 13 at the expiry of the future contract theoretically cash market should be higher than future market Cash market should be lower than future market. Cash market should be at the same level as the future market. Cash and future prices should converge both C and D. Please suggest me the correct answer. Please suggest me the correct answer. Question number 13. What do you think? on the expiry of the future contract what can happen on the expiry of the future contract cash market and future market they converge they come to the same level which can be interpreted as cash and future should converge cash and future should be same level therefore the last option both C and D is correct. So, the correct answer is both C and D. Both C and D. Both C and D. Answer for question number 13 was the last option E. Now, we will come to question number 14. Question number 14 which of the following is true with regard to future contracts which of the following is true with regard to future contract option a future provide flexibility of designing the contract according to one's requirement is this true or false it is false future contracts are standardized contract the long and short are dependent on each other for the fulfillment of the contract. That I don't know. You have to think and answer. Future contract can be squared off at any time during the life of the contract. So, this seems to be correct. We are on question number 14. Once a position is taken, the trader is required to carry the position till maturity. Is it true? Is it necessary to carry the position till maturity? And the long and short are dependent on each other. This also is wrong. The last says none of the above. None of the above cannot be right. So, what is your answer? Do you think you have an answer? 14C, 14C, yes, you can square off at any time. In future contract, the long can be one party, short can be any party, they are not dependent on each other. Forward contract, they are dependent on each other, forward. So, answer 14C is right, very good. Those who have given answer 14C, very, very good. Now, we will come to question 15. Who are the players in the future market? Speculator, hedger, arbitrager, only A and B, A, B, and C. So the answer given by the student is 15 E, A, B, and C. Speculator, hedger, arbitragers, all are the players in future market. Divya is right. <clears throat> answer e was right question number 16 which of the following is false with regard to speculators in the future market option a you have to find the false statement option a presence of speculator is essential in the system they contribute towards higher liquidity in the market they contribute towards bringing down the cost of transaction in the system. They contribute towards better price discovery in the market. None of the above. Which of the following is false with regard to speculator? Please reply. Those who are going to learn later will also try themselves. Those who are going to learn on YouTube you also first think and then you can see the answer so one student has replied c another c so most of the voting goes for c let me check c oi c is not right none of the above all the statements are correct more people participating means the cost of transaction in the system will get reduced this is also right speculators are essential they bring liquidity they reduce the cost and they help in better price discovery so you will put the answer as <clears throat> e tick mark e tick mark e even the because the volume goes up because of speculator because of speculators, the volume has gone up like anything, and that has reduced your cost. Why do you think so many uh, portals or apps are allowing you to do free trading, free this, free that, and that is because of the volume? Question number 17. Question number 17. A portfolio consists of three scripts with weightage 0 0.25, 0 0.5. 0.25 respectively <clears throat> the beta of the individual scripts are 2 1.2 0.8 respectively what is the beta of the portfolio what is the beta of the portfolio please reply <clears throat> what is the beta of the portfolio you have to compute weighted average weighted average beta multiply weight into beta and give me the answer almost every student is saying option C very good 1.30 is the right answer 0.25 into 2 plus 0.50 into 1.20 plus 0.25 into 0.8 and when you will solve it you will get 1.30 1.30 is the right answer option c tick mark question number 18 this question number 18 is a continuation of this question only whose portfolio beta is 1.30 so keeping that in mind you will answer 18 the portfolio in the above question will be called aggressive Conservative index portfolio, none of the above. The portfolio in the above question will be called aggressive, conservative index, none of the above. What is the answer, please? Anybody answer? Answer eighteen. Some students are saying B. If the beta is more than 1, what do you call it? If beta is greater than 1, what do you call it? If beta is greater than 1, you will call it as aggressive. You will call it as aggressive. If beta is less than 1, we call it uh, conservative. So, the correct answer for question number 18 is it is an aggressive portfolio because beta is more than 1 question number 19. this time you have to try yourself. try yourself. the beta of a equally weighted portfolio is 2. there are 5 scripts in the portfolio. the beta value of 4 scripts are 1.3, 2.10, 1.8 and 2.5 respectively. therefore, what is the beta of the fifth script what is the beta of the fifth script what is the beta of the fifth script please try yourself this can come as a four mark question in your main paper also anybody who wants to reply Students have replied now, they are saying it is option C 2.5. Okay, let me say you have to solve this equation. Portfolio beta is 2, and there are 5 scripts in the portfolio with equal weightage. If the weightage is equal, we can take average. 1.3 plus 2.10 plus 1.8 plus 2.5, and let us say it is x, and this you divide by 5. When you will solve it, you will get the value of x as 2.5. Is it right? Have you got it like this? Have you got it like this, 2.5? Yes. So the answer is 2.5. Let me check. Okay, wait, wait. Answer is two point three. Bring your calculator first. One point three plus two point ten plus one point eight plus two point five. That is seven point seven. Ten minus ten, 10 minus seven point seven is two point three. So the correct answer was. 2.3 you were you were right 2.3 was right <clears throat> 2.3 was right mathematically 2.3 2.3 you have got it try this question also try this question also the beta of a portfolio vis-a-vis -vis bsc sensex is 4 beta is 4 with respect to sensex one month future contract on bsc sensex is trading at 10000 one month future contract is 10000 find the value of the portfolio if the hedge is to be perfect one find the value of the portfolio if the hedge is to be perfect one assume that the holder of the portfolio enters into two contracts in the index future and the contract multiplier for the bsc Sensex future contract is fifty. Please try yourself. Beta of a portfolio is four. What is the value of the portfolio? Student has given answer as 20C. Portfolio beta is 4 and it is a perfect hedge. So, for perfect hedge, what we do? We multiply beta into portfolio value and that is the value of index future required. Beta is 4. Portfolio values missing. Index future will be 10,000 into 50 and he has purchased two contracts. He has purchased two contracts. So 4x will be equal to 10 lakhs. X will be equal to 2 lakh 50,000. X will be equal to 2 lakh 50,000. Is there any option like that? 2 lakh 50,000 the answer is yes the answer is yes you will get 2 lakh 50,000 so those who replied 2 lakh 50,000 your answer is right let me see yes 2 lakh 50,000 is right question 21 a trader has rupees 30,000 with which he buys the script with beta value of 1.2 another option open to him is to buy one nifty future contract at a level of 2900 using the same as you uh, at a level of 2900 using the same rupees 30,000 as margin if the market goes up by 10 percent if the market goes up by 10 percent what is the difference between the profit he will make in the cash and future market assuming that future index has beta 1 vis a vis the cash index and the contract multiplier for the nifty future contract is 100 question can be asked for four or five marks in the exam also without options i will request our learned students to try this question what is the difference between the profit he will make in cash market and future market if he buys shares of 30000 or instead of that he buys one nifty future contract at a level of 2900 anybody want to answer if you invest in share market your profit will be 30000 into 10 into 1.2, 12 percent. 12 percent, so that is I think 3600. If you invest in index 2900 into lot size is 100 into 10 percent appreciation, so that will come to 29000. Difference.

next is question number 22 the beta of cipla is 1.5 vis-a-vis nifty a trader has a long position in Sipla with worth rupees 6 lakh coupled with a short nifty position of 6 lakh coupled with a short nifty position of 6 lakh which of the following is true which of the following is true हि एज अ पार्शियल हैज अगेंस्ट मार्केट रिस्क इन शिप्लाज अ कम्प्लीट हेज अगेंस्ट द मार्केट रिस्क इन शिप्लाज ओवर हेजड प्लीज रिप्लाई ट्वेंटी टू सिप्ला बीटा वन पॉइंट फाइव सिप्ला लॉन्ग पोजिशन सिक्स लैख शॉर्ट पोजिशन निफ्टी सिक्स लैख इजी पार्शली हेज्ड फुली हेज्ड ओवर हेजड Is he partially hedged, fully hedged, over hedged? 6 lakh rupees is the long position multiplied by beta. In order to fully hedge, he should take a short position of 9 lakh. But he has taken a short position of only 6 lakh. He is partially hedged. He is not fully hedged he has to buy or short index, fu index future of 9 lakh. so tick mark answer a. tick mark answer a. now 23 number. an investor expects that the rupee will depreciate. and hence the profit of export-oriented information technology company will go up. he is long on infosys to the extent of 20 lakh. The beta of Infosys is 1.35 with Nifty. He wants to remove the effect of market movement from his holding. He wants to remove the effect of market movement from his holding. So, 20 lakh is the long position on uh, Infosys and beta is 1.35. What he should do? Option A short Nifty future worth 27 lakh. Short nifty position worth rupees 13.5 lakh, short nifty future worth 20 lakh, and take a long position in nifty future worth rupees 27 lakh. What he should do if he is long on the stock, he should go short on the future. So, there are three options with short, and the amount of nifty future to be shorted. ल बी वैल्यू ऑफ स्पॉट पोजिशन इन टू बीटा आंसर इज ट्वेंटी सेवन लैक टिक मार्क ऑप्शन ए यू आर राइट ऑप्शन ए इज राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर मिसटर एक्स बाइस ट्वेंटी थ्री ए इज़ राइट वेरी गुड मिस्टर एक्स बाइस टेन वन थाउजेंड शेयर ऑफ एच एल एल एट टू फिफ्टी ईच And obtains a complete hedge by shorting one Nifty future contract at 3000. The contract multiplier is 100. Now it says both his positions are closed up on the next day. HLL has gone down by 2% and Nifty has gone up by 1%. What is his overall profit or loss? This question we have done in the class also in the derivative future chapter so you have loss on hul or hll stock 1000 into 250 into 2% anybody who can give me the answer what is the answer here 2% on this amount 1000 into 250 into 2% so 5000 loss and what about this nifty has gone up loss on nifty also loss on nifty we have taken a short position but nifty has gone up 3000 into 100 into 1% 3000 rupees loss so which is the right answer which option would you take mark option a or option b option a or option b option b you will take mark total loss total loss 8000 tick mark total loss 8000 tick mark total loss 8000 tick mark this is the calculation for that 24 b is right okay now come to question 25 on july 1 2026 an investor has portfolio worth rupees 20 lakh which has a beta of 0.5 vis a vis the nifty. There is a marriage in the family, 25, 20 lakh into beta 0.5. There is a marriage in the family, wow, at the end of September 26, so he wants to totally eliminate the market risk. What is the correct hedging strategy? What is the correct hedging strategy? One is Buy future worth rupees 20 lakh, short future worth rupees 10 lakh, short future worth rupees 20 lakh, and do nothing. Do nothing and keep the portfolio intact to sell when the money is needed. What is the answer? 25b. Okay. So we can just change the question slightly short index future. Because then only I need to multiply by 0.5. So the answer is B, 10 lakh, 20 lakh into 0.5. Question 26 Very important risk faced by derivative trader on an exchange R. Risk faced by derivative trader on exchange R. Operational risk, credit risk, market risk, both A and C, both B and C please reply fast think about it your exam is near i am trying my best to bring good questions anybody answer 26c one student is saying 26c operational risk is there you can punch a wrong data one case study we have discussed in our syllabus due to wrong punching instead of long you have punched short by the, by the staff and you suffered a loss credit risk is not there because exchange is a guarantee mechanism market risk is there share market can move in any direction so option a and c option a and c let me see what is the institute or the answer d option d is the right answer operational risk is there. you may put wrong data, wrong punching. somewhere you have to put some information. you have to decide the stock, decide buy, sell, decide quantity, decide lot size, and that can be an operational uh, risk. there can be internet failure like it is happening today. that is my operational risk. i am taking important discussion and suddenly there is an internet failure. So that is operational risk. Operational risk and market risk is there. Question 27 Short hedge through future means short hedge through future means short hedge through future means hedging short position of cash market by long future position. hedging long position of cash market by short future position hedging long position in cash market by long future position hedging short position by short future position so the answer is most of the student have replied b hedging long position in the cash market by short future position you are right when long position in cash market is hedged by short future position, we call it short hedge through future. Tick mark option B, 28 number. Hedging a long position in jet fuel. This we have discussed in commodity derivative chapter. Long position in jet fuel by a short position in crude oil. By a short position in crude oil, long position in jet fuel, by a short position in crude fuel is called 28. Option C cross hedge, two different commodities are used. Option C 29. What should be the value of 6 month forward contract of a share? If it is quoting in the cash market at rupees 100, the share is expected to declare a dividend of rupees 4 3 months from now. Assume the interest rate in the economy is 10 percent. Assume the interest rate in the economy is 10 percent. Don't use continuous compounding, use simple compounding and reply use simple compounding and reply and give me a general answer not very hardcore mathematician answer 100 rupees the cash market price interest for 6 months will be 5 rupees minus dividend 4 rupees so the answer is 101 approximately we don't want accurate answer we don't want accurate answer so the answer is approximately 101 do we have 101 yes is right one more question for today question number 30, 30 the current value of an index is 4167 4167 interest rate in the economy for 3 month borrowing is 12 percent. Dividend yield on the index is 3 percent. So, 12 minus 3 net 9 percent. The value of the future contract which has 3 months to expiry should be so you will take 4167 plus 9 percent of 4167 into 3 by 12. Please try. We are using simple way of interest calculation, not continuous compounding. What is the answer? One student is saying A. Okay, A is right. Option A is right. If you solve this, you will get 4260.75. Am I right? This itself can be a four mark question without options in the exam. Okay, So this completes our MCQ for today. Thank you very much for joining for this MCQ. and please keep joining. You will get more MCQs. Thank you very much. Are you feeling overstressed by your CA syllabus? Get the best CA revision lectures by top CA leaders. Specially designed to boost your confidence and knowledge. And the best part of the lecture is that they are available at super affordable prices and available at any time, anywhere. So, hurry up and place your order from our website, pillow.in. It is a perfect solution for your last minute privileges.